चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट डे हमारा जस्ट एक बैकग्राउंड था कि कॉस्ट क्या है, एक फैक्ट्री क्या है, वो सब इफेक्टिवली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट का क्लास आज से। बट जब जो हम लोग लास्ट डे पढ़े, एक और दो मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले बताओ तुम लोग लास्ट डे का पढ़ क्या है, पढ़ क्या है, चलो जरा देखे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। प्लीज एक बार दिखा दी, बिना देखे बताना। सबसे पहले था कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। आई डिनोट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक यूज्ड बाय फॉर डिसीजन मेकिंग। मेरा अगला था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कुल मिलाकर था चार। पहला प्रोडक्ट वाइज, अगला प्रोडक्ट वाइज सेल मिल गया, कॉस्ट मिल गया, जैसे ही प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए, दो लेगा या तीन लेगा, दो या तीन, पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे, अगला प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। चलो डन, ये पढ़े थे लास्ट से। उसके अलावा एकदम बेसिक फॉर्मेट हम बताया था कॉस्ट शीट का, कुल मिलाकर खाली छह लाइन। देखो वैसे लिखवाया नहीं था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमको याद हो, स्टिल मन में एक छोटी सी आशा शायद याद हो। बताओ पहला लाइन क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था या फिर रॉ मटेरियल। याद है सेकेंड लाइन क्या था, एक मिनट, डायरेक्ट वेजेस एक फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा लाइन क्या था, ये तीनों मिलाकर क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट पे। प्राइम का मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। इसके बाद हम लोग ऐड करने वाले तीन एक्सपेंसेस। पहला हमारा है फैक्ट्री का फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, हेड ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मेरा तीसरा क्या आने वाला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या मिलेगा, सेल वैल्यू। चलो यहां तक पढ़े थे लास्ट डे, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट शीट। तो एक काम करते हैं, पहले ना कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को हम समझाते हैं, रटेंगे नहीं, पूरा समझेंगे कि हर एक लाइन आइटम ऐसा आया क्यों है। और एक बार हम पूरा समझा दिया, तीन चार बार रिपीट करेगा, उसके बाद ना आज एक काम करते हैं, आज ही शुरू करते हैं पहला इंसेंटिव क्लास। कुल मिलाकर 12-13 लाइन का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, अच्छे से समझना, पूरा माइंड में सेट करना। उसके जिसको मन चाहे, जो मन चाहे, वो यहां पर आना और आके मेरे को फॉर्मेट वापस से बताना। तुम लोग इससे फायदा क्या होगा, एक तो तुम लोग रिविजन होगा, वो तो अलग बात है। अगला जो ए टू जेड पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक राइट आंसर दिया, उसको मिलने वाला एक स्पेशल इंसेंटिव। बोलो क्या, 12 लाइन के लिए 2000। ब्लेसिंग्स तो देखो ऐसे भी है, तुम लोग को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे 500 के साथ, ठीक, नहीं नहीं 500 के साथ, हर लाइन 500 नहीं, एक वाहियात लड़का। जो पूरा कॉस्ट का फॉर्मेट बताया उसके लिए 500। चलो डन, यकीन मानो तुम लोगों को लगेगा कि तुम लोग यहां पर आके राइट आंसर देगा, पर जैसे ही यहां पहुंचेगा और इतने लोगों को एक साथ देखेगा, सब भूल, नहीं वहां वहां पे बैठ के नहीं। चलो एनीवेज, हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के साथ। हम हर एक लाइन को पूरा समझाते हुए चलेगा कि हर एक लाइन आइटम ऐसा है क्यों। उसके लिए एक बार ऑनलाइन वालों के लिए क्या, इनका अलग ही दुख है, ऑनलाइन वालों के लिए क्या, एक काम करेंगे, एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगा फिर ऑनलाइन वालों के लिए कुछ करना तो चाहिए। इनके लिए काम करेंगे, पेटीएम कर देंगे, पर आंसर कैसे आएगा, एक जूम कॉल टाइप कुछ करेंगे, राइट आंसर जो देगा उसके लिए पेटीएम कर देंगे। चलो डन, नहीं 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 होगा, नहीं इलेवन ट्वेल्व में बहुत किए हैं, नहीं हम मानेंगे तुम लोग सब सच्चा है। चलो एक काम करना, प्लीज एक बार आना, प्लीज एक बार आना, प्लीज एक बार आना। पेज नंबर 2.5 कॉस्ट शीट का हम लोग पहले समझते हैं हमारा फॉर्मेट क्या है। पेज नंबर 2.5 स्टार्ट करते हैं हमारे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के साथ।
ये अचानक से लोग इतना लेट कैसे आए? तुम लोग कहाँ से आ रहे हैं सब कुछ? एक मेट्रो आया क्या? नहीं, 11:10 जस्ट हुए। नहीं, पहले एक दो दिन छोड़ देते। सर बुक नहीं है। चलो एक काम करेगा, आज क्लास के तुरंत बाद में एक बार हम जो बुक का फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ है एक बार टेलीग्राम ग्रुप में डाल देगा। जब तक बुक डिलीवर होगा तब तक एटलीस्ट उस पीडीएफ को रेफर करना, ठीक? चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा कॉशीट के फॉर्मेट के साथ। अब देखो, सबसे पहला बात ना, जो हमारा कॉशीट है, कॉशीट होता है दो तरीका का। जैसा तुम लोग हेडिंग में देख पा रहा होगा, ये है ट्रेडिशनल फॉर्मेट, ट्रेडिशनल माने पुराने जमाने का, और एक हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज कॉशीट का फॉर्मेट। दोनों हमारे सिलेबस में है। पहले जानेंगे पुराने जमाने में क्या होता था, एग्जाम में कभी कभी इस पे भी आता है, और उसके बाद जानेंगे रिवाइज कॉशीट के अंदर में क्या चेंज आया। ट्रेडिशनल हो गया ना, उसके खाली चार चेंज है छोटा छोटा रिवाइज पे, ये हो गया मतलब वो करने में लगेगा 5 मिनट। अब मेरा पहला बात, याद है लास्ट बताया था फाइनेंशियल अकाउंट का जो पीएल बनाते थे, तुम लोग वो प्रोडक्ट वाइज बनता था या टोटल में? पर जब कॉस्ट के अंदर में हम लोग बनाएंगे कॉशीट, ये टोटल में आएगा या प्रोडक्ट वाइज आएगा? ये हमेशा आएगा प्रोडक्ट वाइज। तो देखो सबसे पहले बात, मेरे कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, कॉशीट फॉर द प्रोडक्ट। यानी मान लो लास्ट में एग्जांपल दिया था, जो आशीर्वाद आटा है उसका कॉशीट अलग बनेगा, जो मेरा सनफीस्ट है उसका कॉशीट अलग बनेगा, जो बिंगो है उसका कॉशीट अलग बनेगा। तो मेरा सबसे पहला बात, कॉशीट हम लोग हमेशा बनाएंगे प्रोडक्ट वाइज। कॉशीट फॉर द प्रोडक्ट कौन सा? जैसे एग्जांपल अगर हम अपना कॉशीट बनाए तो हम एक बनाएगा कॉशीट कॉस्ट पढ़ाने का, ये मेरा एक अलग प्रोडक्ट। एक बनाएंगे कॉशीट एफएम पढ़ाने का, मेरा अलग प्रोडक्ट। तो हमेशा बनता है प्रोडक्ट वाइज, ठीक? फॉर द पीरियड एंडिंग जो भी रहेगा, आउटपुट क्या वो बताते हैं बाद में। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। देखो कॉशीट का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, रॉ मटीरियल। आगे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, कंज्यूम्ड। ध्यान देना, परचेज नहीं लिखा है, रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड लिखा है। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, कंज्यूम्ड और परचेज के बीच में डिफरेंस क्या? करेक्ट, परचेज जो खरीदे हैं, कंज्यूम जो यूज किए हैं। मेरा कॉशीट का पहला लाइन में क्या आता है, रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड। एक मिनट, शायद तुम लोग का फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, मेरा रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड होता था, एक सेकेंड, डैश प्लस डैश माइनस डैश। डैश प्लस डैश माइनस डैश क्या है? मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आने वाला है, ओपनिंग रॉ मटेरियल। इस क्लास में सबके पास बुक है ना? क्यों नहीं है? तो एक प्लीज बुक ले लो ना। पहला लिखते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। मेरा रॉ मटेरियल वर्ड ध्यान देना यहां पर क्या है, कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आने वाला है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है यहां तक? मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये वाला लाइन ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऐसा हुआ क्यों? अब बताते ऐसा हुआ क्यों, एक बार के लिए उसके लिए तुम लोग को बोलो। हाँ मतलब समझी नहीं क्या क्या? हाँ कॉस्ट क्लास है। ओ अच्छा, तो करो मतलब कोई बुलाओ ना, अरे कहीं जगह बुलाओ ना। मेरे को आगे पूछ रहे कॉस्ट क्लास है ना। देखो मेरा पहला बात, अब एक बार इस मेरे ब्यूटीफुल फैक्ट्री के एक बार इमेजिन करो। एक बात बताओ, फैक्ट्री के अंदर में मेरा जितना भी मटेरियल था, मेरा जितना भी मटेरियल था, याद है फैक्ट्री के अंदर में किस डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। पर ऐसे सारे मटेरियल को यूज कौन सा डिपार्टमेंट करने वाला है? प्रोडक्शन। मान लो साल का शुरुआत होता है 1 अप्रैल 2023,
पहले 1 अप्रैल 2023 में स्टोर्स डिपार्टमेंट में ना ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था 5000 केजी। सर आपका नंबर दीजिए ना एक बार। दे देंगे, क्लास के बाद दे देते हैं। मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल मान लो स्टोर्स डिपार्टमेंट में साल के बिगनिंग में पड़ा हुआ था 5000 केजी। मान लो मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट है, बिगनिंग में 5000 केजी पड़ा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग क्या किए, रॉ मटेरियल और परचेज किए। परचेज किससे करने वाले हैं, मेरे एग्जांपल में चल रहा था टोबैको परचेज कर रहे थे, किससे परचेज कर रहे थे, हिमांशु से। वो हिमांशु कौन है, वो टोबैको लेकर कहाँ चला गया आज। चलो चेंज करते हैं, आप आपका नाम क्या है, रौनित। मान लो हमारा रौनित कौन है, टोबैको बॉय। इससे हम साल भर में परचेज किए हैं, साल भर में परचेज किए हैं मान लो 1,05,000 केजी। साल के बिगनिंग में 5000 केजी पड़ा हुआ था, मेरा 1,05,000 केजी और आया, यानी पता है कुल मिला के मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट में कितना हो गया, 1,10,000 केजी। अब भाई हम इकट्ठा करके क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगेगा मेरे को उसको देना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन है, ये आपका नाम क्या है, सत्यम। सत्यम मेरे पास आया स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, आके मेरे को बोलता थोड़ा टोबैको दीजिए ना, हम बोला लो। बोला थोड़ा और दीजिए ना, हम बोला लो। बोला थोड़ा और दीजिए ना, हम बोला लो। अब ये टोबैको मांगे जा रहा है, हम दिए जा रहा है, ये मांगे जा रहा है, हम दिए जा रहा है। अब मान लो साल हुआ खत्म, साल के लास्ट डे हम देखा यार मेरे पास ना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया 10,000 केजी, ठीक। तुम लोग मेरे को एक बात बताएगा, 5000 शुरू में था मेरा, 1,05,000 और आया, यानी कुल मिलाकर 1,10,000। अब साल भर हम देते चले देते चले देते चले, पर साल के एंड में देखिए 10,000 मेरे पास ही रह गया, आउट ऑफ 1,10,000 10,000 मेरे पास ही रह गया, यानी बताओ हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैंने दिया है 1,00,000 केजी। अब इमेजिन करो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिलेगा उसी को तो ये बनाएगा, और जिसको ये बनाएगा उसी को तो ये बेचेगा, और मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट शीट के लास्ट में जाके सेल वैल्यू। तो सेल किसको करेंगे, जो बनाएंगे, बनाएंगे क्या, जितना उसको मिलेगा। उसको मिला क्या था, क्या पूरा 1,05,000 के जी, नहीं, उसको क्या मिला था, 1,00,000 के जी। और कोई मेरे को देखा 1,00,000 के जी क्या प्लस क्या माइनस क्या बन के आया, ओपनिंग रॉ मटेरियल और कितना ये परचेज किया, माइनस जो मेरे पास पड़ा रह गया, बाकी तो उसको दिया है, तो जितना उसको दिए उतना ये बनाया, जितना बनाया उतना ये बेचा। तो मेरा कॉस्ट शीट को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट में सेल निकालना। सेल किसको करते हैं, जो ये बनाता है, बनाएगा क्या, जो हम इसको देगा, हम दिए क्या, जितना रॉ मटेरियल इसको यूज करना था या कंज्यूम करना था। यही कारण है हमारे कॉस्ट शीट का पहला लाइन में रॉ मटेरियल परचेज नहीं आता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। एक मिनट, सबका चेहरा ऊपर, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम डैश प्लस डैश माइनस डैश। मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट का पहला लाइन डन। यानी मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है, ये हम लास्ट डे बताया था, डायरेक्ट वेजेस। अब जरा देखो मेरा अगला लाइन आइटम क्या है, डायरेक्ट वेजेस। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट वेजेस एक फैक्ट्री में, डायरेक्ट वेजेस एक फैक्ट्री में, तुम लोग बताओ, डायरेक्ट वेजेस एक फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस है, यानी ऐसे वर्कर को जो वेजेस मिलने वाला है, मेरा इसका नाम क्या है, डायरेक्ट वेजेस। तो मेरा पहला लाइन आइटम आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड लाइन आइटम आया है डायरेक्ट वेजेस, यानी तीसरा लाइन आइटम क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका दो नाम और होता है, एक और लिखा, आइदर वर्ड यूज करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है बताए नहीं है, बताएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इसका एक और नाम है चार्जेबल एक्सपेंस, यह इसका एक और नाम है ट्रेसेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में हम एक शब्द नहीं बताया है, यह हम बताएगा, ठीक, और यह भी आज नहीं, हम यह कल बताएगा, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। अभी हम के लिए खाली नाम बताया, मेरा पहला आया, एक सेकेंड, मेरा पहला लाइन आया, मेरा सेकेंड लाइन आया, मेरा तीसरा लाइन आया, ये तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट में, प्राइम का मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। बोलो यहां तक नो झमेला। अब देखो मेरा तीन खर्चा आएगा, एक फैक्ट्री का, एक हेड ऑफिस का, और एक आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। पर ध्यान देना यहां पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ओवरहेड।
तुम लोग ये वाला वर्ड तो ओवर द हेड गया। आ हम बताते हैं ओवर हेड का मतलब क्या। देखो पता है जितना भी कॉस्ट होता है ना, मेरा सारा का सारा कॉस्ट होता है दो तरीका का। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, ये लिखना नहीं है बाद में लिखवाएगा। एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। मेरा जितना भी खर्चा होता है वो सारा होता है दो तरीका का, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। पता है डायरेक्ट वाला ना सारा का सारा ऊपर गया, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, या आया डायरेक्ट वेजेस, या आया डायरेक्ट एक्सपेंस, तो सारा डायरेक्ट वाला चला गया है ऊपर। अब जितना भी इनडायरेक्ट है ना वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। एग्जांपल देते हैं, देखो लास्ट टाइम एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था, सिगरेट। ठीक, सिगरेट को बनाने के लिए तीन रॉ मटेरियल लगता था, एक था मेरा टोबैको, हाँ एक फिल्टर और एक, ये सब याद नहीं करना था। वैसे पता है मेरे घर में एक मशीन है जिससे हम सही में बना सकते हैं, ऑब्वियसली उस स्पीड में नहीं बनेगा जिस स्पीड में हम तुम लोग लास्ट वीडियो दिखाया था। तो एक बार वो एक मशीन बनाया था जो हम आईटीसी में था, ताकि हम बाद में तुम लोगों को समझा पाए। कल वो मशीन लेकर आए, बनाकर दिखाए, बनाकर दिखाएंगे। क्या बोल रहा है? जलाएंगे नहीं, बस बनाकर दिखाएंगे। तो देखो मेरा सबसे पहला बात, जो सिगरेट था उसको बनाने के लिए लगता था तीन मटेरियल, एक था टोबैको, एक था फिल्टर रॉड, एक था सिगरेट पेपर। जब मैं सिगरेट को देखते ही जो नजर में आया, भाई ये तो इसी मटेरियल से बना है, जो देखते नजर में आता है ये तो इसी चीज से बना है, वो डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट मटेरियल। पर मेरा क्वेश्चन उठता है, एक फैक्ट्री के अंदर में क्या खाली टोबैको, फिल्टर और सिगरेट पेपर ही रहता होगा? इसके अलावा बहुत तरह का मटेरियल रहता है। मान लो हम थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मुझे चाहिए कैलकुलेटर, किससे मांगेंगे? स्टोर्स डिपार्टमेंट से। मान लो जो मेरे पास में एचआर थी उसको चाहिए लैपटॉप, वो किससे मांगेगी? स्टोर्स डिपार्टमेंट से। जब पता होता क्या है, कुछ कुछ मटेरियल ऐसा है जो डायरेक्टली देख रहे सिर्फ फिनिश गुड्स को बनाने में लगा, वो हो गया डायरेक्ट नेचर का। और इसके अलावा बाकी जो भी मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है फैक्ट्री के अंदर में, वो डायरेक्टली सिगरेट को बनाने में नहीं लगा, पर असिस्ट तो कर रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो ये फैक्ट्री है, यहां पे अचानक से एक दिन हो गया वो लड़ाई क्यों हो गया मान लो अचानक से एक दिन यहां पर लाइट चला गया, तो वहां पे पता है वहां पे इन्वर्टर से काम नहीं चलेगा। जब बड़ा बड़ा मशीन को चलाना है, इन्वर्टर से मशीन चलेगा भी नहीं। वहां पर होता है डीजी सेट, नाम सुना है डीजी सेट? एक बार गेस करो फुल फॉर्म क्या? डायरेक्ट जनरेटर, डीजल जनरेटर सेट। तो आप एक बहुत बड़ा डीजी सेट होता है कि अगर बाय चांस कभी भी लाइट ना रहे तो एटलीस्ट पावर तो सप्लाई करना जरूरी है। तब उस केस में पता है वो डीजी सेट चलता है डीजल से, नाम खुद बता रहा है। अभी जो डीजल है ये भी पड़ा तो रहेगा स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर में, पर क्वेश्चन उठता है वो डीजल क्या सिगरेट में डालेंगे? इमेजिन करो डीजल सिगरेट में डालते, आदमी लगाया लाइटर से आग, सिगरेट गया गया वो खुद भी गया। क्यों? तुम साइंस में जाना चाहिए था, तुमको कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए था। तो लेकिन यहां पे हुआ क्या, मेरा सारा का सारा जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोरेज डिपार्टमेंट में, कोई कोई मटेरियल ऐसा है जो मेरा डायरेक्टली सिगरेट को बनाने में लगता है, वो डायरेक्ट नेचर का। और बाकी कोई मटेरियल ऐसा है जो डायरेक्टली नहीं लगता है पर एटलीस्ट पड़ा हुआ तो है, वो इनडायरेक्टली हेल्प तो कर रहा है, पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जैसे ही शब्द आता है इनडायरेक्ट, माइंड में क्या आना चाहिए? ओवरहेड। अगला एग्जांपल, मेरे फैक्ट्री में बहुत तरह के लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर भी हैं, इधर में रंजन भी है, इधर में एचआर भी है, इधर में भी कुछ लोग हैं। हर एक इंसान को मिलने वाला है सैलरी या फिर वेजेस, पर ध्यान देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में जो आदमी को वेजेस मिलेगा वो डायरेक्टली सिगरेट बनाता है, इसीलिए डायरेक्ट वेजेस है। पर क्वेश्चन उठते क्या रंजन फ्री में काम करेगा? क्या एचआर फ्री में काम करेगी? क्या इन दोनों फ्री में काम करेगा? इनको ही मिलने वाला है सैलरी या वेजेस? पर बताओ ये जो चार लोग हैं ये लोग क्या डायरेक्टली सिगरेट बनाए? यानी पता है इनके सैलरी या वेजेस को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। तो जैसे ही शब्द आता है इनडायरेक्ट, माइंड में क्या आना चाहिए? ओवरहेड। यानी इन शॉर्ट जितना भी कॉस्ट होगा वो रहेगा दो तरीका का, एक रहेगा डायरेक्ट जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस बना, और बाकी जितना भी खर्चा है वो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। अब एक लाइन बताएगा, अगर हम बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगा हो,
अगर हम बोले इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगा हो तो ये कौन सा ओवरहेड बनेगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर हम बाई चांस बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा हेड ऑफिस में लगा है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर हम बाई चांस बोले कोई इनडायरेक्ट खर्चा सेलिंग करने में लगा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी शॉर्ट, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री में लगे फैक्ट्री ओवरहेड, हेड ऑफिस में लगे ऑफिस ओवरहेड, मार्केटिंग में लगे सेलिंग ओवरहेड। तो बाई चांस तुम लोग बड़ा हो, अगर तुम लोग बड़ा हो और बाई चांस तुम लोग से पूछे कि बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम एकदम शॉर्ट में बताया, एक पूरा चैप्टर आएगा 9 क्लास का जिसका नाम आएगा ओवरहेड, तो इसको बहुत विस्तार में जानेंगे तब। तो देखो मेरा अगला लाइन आइटम क्या आया? फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और है। फैक्ट्री के अंदर में देखो काम क्या होता है, प्रोडक्शन का, तो नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड। एक्चुअल में जो वर्क होता है सिगरेट को बनाने का, वो हो रहा है फैक्ट्री में, तो नाम है वर्क्स ओवरहेड। इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मेरा इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड किए पहला ओवरहेड, क्या नाम था? फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर बोलेंगे वर्क्स ओवरहेड, या बोलेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, या क्या बोलने वाले हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक, एक मिनट, पांच लाइन अभी तक हम बताया है, बताओ पहला पांच लाइन क्या था? पहला लाइन मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक, ओवरहेड का मतलब क्या? यानी डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और था, चार्जेबल एक्सपेंस और ट्रेसेबल एक्सपेंस। तो पहला पांच लाइन डन। कोई पहला पांच लाइन भी यहां पे आके बता सकता है? इसने भी तो लोग सोचा खाली पहला पांच लाइन। हाँ ठीक है, ऐसे पूरा ढंग से लास्ट तक याद रखना। चलिए, है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके बाद मेरे को माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। कोई बताओ स्क्रैप का मतलब क्या? क्या स्क्रैप का एक तरह का वेस्टेज हो गया, एक तरह का कचरा हो गया। कभी भी कोई भी फैक्ट्री में जाओ, तुम लोग एक सेकंड, कभी भी जीवन में कोई फैक्ट्री में गया है? गया है। कौन सा? पार्ले जी के फैक्ट्री। और कोई कभी गया है कहां पे? ईटा का फैक्ट्री। अच्छा, और टाटा हिटाची में गई थी। क्या करने गया था? वो ताऊजी का फैक्ट्री है, खुद का। हम बताते हैं, कभी भी अगर बाईचांस तुम लोग फैक्ट्री में जाएगा, तुम लोग ने ढंग से पढ़ो, तुम लोग का पहला टेस्ट में जो लोग अच्छा मार्क्स आएगा ना, तुम लोग हम लेके जाएगा फैक्ट्री में। कौन सा? आईटीसी का फैक्ट्री। कहां? नहीं, बैंगलोर में। बैंगलोर से कुछ ट्रेवल करा के हम लेके जाए। कहां? रंजन को मत बोलो, जो बोलना बोलो, रंजन को मत बोलो। कहां लेकर जाएंगे? खिदरपुर फैक्ट्री, पास में है, 45 मिनट लगेगा। फिर तुम लोग दिखाएगा कि देखो असली में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। ऑब्वियसली पूरे क्लास को हम ले जा नहीं पाएगा, लेकर क्या पता चला उसका प्रोडक्शन बंद करके खुद उड़ा उड़ा के ले आया। तो एनीवेज दिखाएंगे, तो जिस दौरान मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रहा होता है, जिस समय मशीन चल रहा होता है, तो फिनिश गुड्स तो बन रहा है, पर साथ ही साथ ना थोड़ा कचरा जनरेट होगा। ये अनअवॉइडेबल है, इसको चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। और हटाओ, जो हमारे यहां पे बेंच बना था जिससे तुम लोग बैठा हुआ है, जो बेंच बना था, तो क्या लगता है जो बेंच आया सारा का सारा मस्त वाला बन गया, उसमें हमेशा थोड़ा वेस्टेज आएगा। अब जो वेस्टेज या स्क्रैप आएगा वो कंपनी इकट्ठा तो करेगा नहीं, कह रहे देखो हम कितना कचरा बनाया। जैसे कोई भी कचरा बनता है वो क्या करेगा? कचरे वाले को बेच देगा। और जब कचरे वाले को बेचेगा, बेच के कुछ पैसा मिलेगा ना। अब बताए बेच के ऐसा नहीं, हम इतना पैसा मिल जाएगा कि हम मालामाल हो जाएगा, बेच के एकदम छोटा मोटा वैल्यू मिलेगा। पर भाई जो भी मिला ये मेरा कॉस्ट को थोड़ा तो कम किया, मेरा जो मटेरियल का खर्चा लगा था, मेरा वेजेस का लगा था, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस लगा था, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड लगा था, जो इतना सारा खर्चा लगा है इस दौरान एक कचरा जनरेट हो गया, और कचरे को बेच के थोड़ा पैसा मिला, और जो भी पैसा मिलेगा ये क्या होगा? जो इतना सारा कॉस्ट लगा उसको थोड़ा कम कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप। ये ऐड मत कर देना, ये क्या करते हैं? लेस सेल ऑफ स्क्रैप।
तो पहला 6 लाइन तक डन। अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है एड ओपनिंग WIP आर लेस क्लोजिंग WIP। कोई मेरे को बताओ WIP का मतलब क्या? क्या मेरे को पढ़ाते हुए 11 साल हो गया। जब जब हम पूछा WIP का मतलब, जीवन में हम जब जब पूछा WIP का मतलब बताओ, मतलब बताओ, लोग मेरे को हमेशा फुल फॉर्म बताए। मेरा WIP का मतलब क्या होता है? मतलब ये हमें काम करता है, मैं एक लाइन बोलना शुरू करता है, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, ये मत सोचना भूल गया, उसको लाइन को तुम लोगों को कंप्लीट करना है। पर मेरा WIP वैसा स्टॉक है जिसमें काम अब एक मिनट कौन आया जरा देखे, हमारे बैच का पहला वार्निंग किसको मिल रहा है? आइए आइए आइए, कहां गई? आपका नाम क्या है? रिंकी जी। रिंकी, रिंकी जी जरा बताइए एक बात, लेट आने का कारण क्या? अच्छा तो मेरा ही गलत है, नहीं बता। मेरे को सुना दिया आपके एडमिशन प्रोसीजर में टाइम लग गया, ठीक है बैठो बैठो। नहीं नहीं फर्स्ट मेरा किस बात का फर्स्ट वार्निंग आ गया? हाँ, ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। मेरा WIP का मतलब क्या होता है? मैं क्लाइंट बोलते बोलते चुप हो जाएगा, खत्म करना। पर WIP वो स्टॉक है जिसमें काम शुरू तो हुआ था पर खत्म नहीं हुआ। ये मेरा क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ऐड क्यों करे, ओपनिंग लेस क्यों करे, क्लोजिंग बताते क्यों? कभी भी हम मतलब पूछे ना, हमेशा मतलब बताना, फुल फॉर्म नहीं। घड़ी देखो, अभी से ठीक 45 मिनट बाद, नहीं 47 मिनट बाद हम एक और चीज का मतलब पूछेगा, तुम लोग बताएगा फुल फॉर्म। अभी से ठीक 47 मिनट बाद, तो आप तो ज्योतिष निकले। अभी से ठीक 47 मिनट बाद, चलो डन। अब एक काम करते हैं, बताते हैं एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों हुआ। देखो हुआ क्या था, तुम कौन है? रोनित, तुम कौन था? और टोबैको बॉय। हाँ, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट का हेड कौन बना था? तुम बना था। आपका नाम क्या है? सत्यम। नहीं, वो तो हम बना था, तुम प्रोडक्शन था। हाँ, देखो स्टोर्स डिपार्टमेंट में 5,000 शुरू में था, 1,05,000 और आया, मिलाकर हुआ 10,000 पड़ा रह गया, यानी ये पता है यहां पे कितना ट्रांसफर किया था? 1,00,000। जब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1,00,000 kg पहुंचा है तो आइडियलिस्टिकली 1,00,000 kg बन जाना चाहिए, आइडियलिस्टिकली। पर पता है होता क्या है, हर बड़े बड़े कंपनी में, हर बड़े बड़े फैक्ट्री में 24 घंटा काम चलते रहता है। टोबैको आता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, यहां से निकलता रहेगा, आता रहेगा, बनता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। पर इसी बीच में आएगा 31 मार्च, 31 मार्च रात को 12 बजे। बताओ 31 मार्च रात को 12 बजे क्या हो रहा है? शटर डाउन। धन्य है आप। 31 मार्च रात को 12 बजे क्या होने वाला है? मेरा पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। जैसे ही पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, पता है रात को 12 बजे फैक्ट्री के अंदर में कोई जाने वाला है। थर्टी फर्स्ट मार्च रात को 12 बजे फैक्ट्री के अंदर में कौन जाने वाला है? रंजन। सेलिब्रेट क्या करेंगे? अरे हाँ, सबसे पहले पहुंचने वाला है 31 मार्च रात को 12 बजे रंजन। पता है रंजन कौन है? एक बार के लिए स्टोर्स डिपार्टमेंट को हटाऊंगा, ये सब फालतू जी का हेड नहीं बनना। पता है रंजन कौन है? कौन है? नहीं। रंजन कौन है? एक CA। और पता है CA 31 मार्च को रात को 12 बजे जाके क्या करता है? जाएगा फैक्ट्री के अंदर में जाएगा और जाकर वो इन्वेंट्री गिनेगा। हम हैं ऑडिटर। टेंटेड का जरूरत ही था। 31 मार्च को रात को 12 बजे रंजन पहुंचने वाला है फैक्ट्री में। सबसे पहले फैक्ट्री में जाएगा रंजन स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाएगा और जाकर हम बोलेगा वेट मैं आ गया। तो मैं क्या करूं? हम बोला मेरे को सारा इन्वेंट्री गिनना है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
पता है कारण क्या है? 31 मार्च को रात को 12 बजे जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टॉक पड़ा हुआ है वही तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन के आएगा बैलेंस शीट में और पीएल के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हम जाके गिरे मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना। अगला रंजन पता है दौड़ते हुए कहां जाएगा? इधर। तुम्हें बताएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में मेरे को कौन सा स्टॉक मिलेगा? रॉ मटेरियल का मिलेगा, डब्ल्यूआईपी का मिलेगा या एफजी का मिलेगा? क्या चीज का? फिनिश गुड्स का। जाके गिनेंगे एफजी कितना है। उसके बाद पता है रंजन कहां जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, हम बोला वेट सारा प्रोडक्शन बंद करो, सारा मशीन खोलो। सारा प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा रंजन के लिए, सारा मशीन खुलेगा। और पता है फिर रंजन क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ तो ऐसे क्या सोच क्या रहे? जैसी कटिंग मशीन खुलेगा हम देखेंगे यार इसमें कितना ऐसा स्टॉक है जिसमें काम चल रहा था पर खत्म नहीं हुआ। फिर रंजन जाएगा इधर। समझ गया ना, रंजन चला गया है, हम लेके तो जाएंगे। फिर जाएगा मॉइस्चर फेवर मशीन में, मशीन खुलवाएगा और जाकर देखेगा यार इसके इस मशीन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें काम चल रहा था पर खत्म नहीं हुआ। फिर वापस जब रंजन जाएगा इधर, देखा कितना अच्छा गेम। पैकिंग में जाकर देखेगा यार इसमें कितना स्टॉक है जिसमें काम चल रहा था पर खत्म नहीं हुआ। पता है जितना जितना स्टॉक ऐसा है जिसमें काम चल रहा था पर खत्म नहीं हुआ, बताओ ये कौन से स्टेज में रह गया? रॉ मटेरियल में, एफजी या डब्ल्यूआईपी में? डब्ल्यूआईपी में। तो देखो भाई हुआ क्या, 1,00,000 यहां पे साल भर में पहुंचा। मान लो इसके अंदर में ना 1,000 kg पड़ा था, इसमें 2,000 पड़ा था, इसमें भी 2,000 पड़ा था, तो एक बात 1,00,000 kg यहां पे पहुंचा था। और साल के एंड में हम देखा यार 1,000 + 2,000 + 2,000 यानी कुल मिला के 5,000 kg अभी भी यहीं पे रह गया। यानी कोई बताएगा फिनिश गुड्स कितना बन के निकला होगा? कितना बन के निकला होगा? ये 95 आया कैसे? ये 1,00,000 में हम लोग माइनस किए जो साल के एंड में डब्ल्यूआईपी में पड़ा रह गया, ताकि पता चले कितना यूनिट बना। और ध्यान देना जो बनेगा वही तो बिकेगा। मेरे को निकालना है सेल, यानी जितना मेरा रॉ मटेरियल आया था वो तो पहला लाइन में लिख दिए, पर मेरे को हटाना पड़ेगा वो कितना स्टॉक था जो साल के एंड में मेरे पास पड़ा रह गया। यही कारण है पता है हम लोग माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कारण क्या है? आ तो गया था पर इस साल बन नहीं पाया तो हटा इसको। और एक बात बताए, जो इस साल क्लोजिंग रह गया ये बताए अगले साल क्या बन के आने वाला है? ओपनिंग। और सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, जो मशीन में रह गया पहले उसी को खत्म करेंगे, उसी को बनाकर बेचेंगे। तो उसको अगले साल बेचने वाले हैं, इसीलिए पता है एड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो देखना कुल मिला के अभी हम लोग बात किए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन का। एक मिनट, वो 8 लाइन क्या था? कोई मेरे को बताओ पहला लाइन क्या? सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। अब ऐड करेंगे एक चीज, लेस करेंगे एक चीज, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके बाद देखो मेरे को ऐड क्या करना है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। ये कल हम एक वीडियो बनाया था, बनाया नहीं तो सॉरी दिखाया था, उसके अंदर मैं कुछ रनिंग कमेंट्री कर रहा था। एक वर्ड था प्राइमरी पैकिंग, एक वर्ड था सेकेंडरी पैकिंग। यानी उस सिगरेट वाले एग्जांपल में प्राइमरी कौन सा था, सेकेंडरी कौन सा था? जो छोटा छोटा पैक है जिसमें 10-10 सिगरेट गया वो क्या है? जो बड़ा वाला कार्टन है जिसमें वो क्या है? सेकेंडरी। पहले बताओ पहले कौन सा पैकिंग हुआ, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? प्राइमरी। कोई बताओ प्राइमरी पैकिंग क्यों करते हैं, सेकेंडरी पैकिंग क्यों करते हैं? एक मिनट, हाँ आप बताइए। प्राइमरी पैकिंग में सिगरेट रखेंगे और फिर सेल होगा, और जो वो सेकेंडरी वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आपका नाम क्या है? निकुंज। निकुंज एकदम राइट आंसर दिया। प्राइमरी पैकिंग का करने का कारण क्या है? ताकि जो गुड्स का क्वालिटी है ना वो एटलीस्ट ढंग से इंटैक्ट रहे। और इमेजिन करो छोटा छोटा पैक अगर पूरे इंडिया में फैलाना है तो कितना मुश्किल होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, इसीलिए बड़ा वाला कार्टन में हम लोग पैक करते हैं ताकि गुड्स को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। एक एग्जांपल समझो ना, तुम लोग सुबह सुबह जब यहां पे आया पूरा रेडी हो क्या है, ब्रश व्रश करके आए सुबह जो कॉलेज जाते हैं, तुम लोग रेडी होके जाते हैं? इमेजिन करो
तुम लोग करता है कोलगेट या पेप्सोडेंट, इमेजिन कर उसका प्राइमरी पैकिंग नहीं होता, प्राइमरी पैकिंग नहीं होता, सुबह सुबह उठे चले गए दुकान में, बोला भैया ब्रश करना है थोड़ा टूथपेस्ट दीजिए, बोला हाथ आगे बढ़ाओ, बढ़ाया वो एक तो उसके पास वो दबाया यहां से निकला और यही करना स्टार्ट कर दिया। तो इमेजिन करो कितना अनहाइजेनिक चीज होता। आज यानी बताया जो मेरा पहला लेवल ऑफ पैकिंग है ना वो करना जरूरी है ताकि गुड्स की क्वालिटी को इंटैक्ट रखना है, ये हो गया प्राइमरी। पर एक एक कोलगेट का अगर वो पैक अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करे वो पगला जाएगा। आज यही कारण है एक बड़े सारे कार्टन में डाल के एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी। आज देखो मैं एक बात एक्सपेक्ट तो नहीं करते पर देखिए कोई बताएगा क्या, प्राइमरी पैकिंग गया इधर, प्राइमरी पैकिंग गया इधर, कोई एक बार गेस करेगा सेकेंडरी पैकिंग पहले बोल लो, अरे बोलो ना बोलो ना, मेरा प्राइमरी पैकिंग गया इधर, कोई बताएगा सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट मेरा किस कहां पर जाना चाहिए। ध्यान देना सेकेंडरी पैकेजिंग का कारण क्या है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मेरा कहां जाना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डन, तो मेरा प्राइमरी पैकिंग हो गया, फैक्ट्री का काम होता है खत्म, क्या नाम देंगे फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। क्लियर है यहां तक, मेरा फैक्ट्री का सारा खर्चा डन, फैक्ट्री का सारा हो गया। अब अगला मेरा बारी आता है हेड ऑफिस के खर्चा को, यानी हेड ऑफिस के खर्चा को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जैसी ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब रुको, पता है ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में यही चीज गलत है, नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोडक्शन करने का खर्चा क्या लगा। और एक बात बताओ, प्रोडक्शन करने का काम कहां होता है, यानी लॉजिकली इसमें खाली फैक्ट्री का खर्चा आना चाहिए था, पर यहां पे हेड ऑफिस के खर्चा को भी जोड़ दिया गया, तो चीज तो गलत था। इसी चीज को रेक्टिफाई किया गया है न्यू कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, पर पुराने जमाने में चल रहा है तो पुराने जमाने में चलाएंगे, न्यू में कैसे ठीक किया वो हम उस समय बताते हैं। यानी मेरा फैक्ट्री का कॉस्ट हो गया, अगला लिए हेड ऑफिस का खर्चा, क्या नाम दिए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस अब आखिरी तीन चार लाइन आ गया है, एक बार अभी तक कोई बताएगा, अभी तक बताना, मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, तीन नाम और था। इस बीच में कितने लोग अपना नाम लेके निकल गए। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, माइनस करेंगे सेल ऑफ, ऐड करेंगे एक चीज, लेस करेंगे एक चीज, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, याद एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। यानी सेकेंडरी वाला कहां जाएगा, मेरा जैसी प्राइमरी पैकिंग हुआ मेरा फैक्ट्री का काम खत्म, क्या नाम आएगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। बताओ अगला मेरे को चाहिए हेड ऑफिस का खर्चा, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिला करके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगता है ये लॉजिकल था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस का खर्चा आना लॉजिकल था, नहीं। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद आखिरी दो एडजस्टमेंट, ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। मेरा क्वेश्चन उठता है ओपनिंग एफजी और क्लोजिंग एफजी को क्या करना है, बस मेरा लास्ट लाइन, देखो 1,00,000 पहुंचा, 5,000 पड़ा रह गया, यानी यहां पर कितना पहुंचा था 1,00,000 माइनस 5 95,000 पहुंच गया इधर। अब बताए वेयरहाउस के अंदर में भी ना साल के बिगनिंग में थोड़ा स्टॉक पड़ा होगा, एफजी मान लो साल के बिगनिंग में 5,000 पड़ा हुआ था, 95 और पहुंचा, आज यानी कुल मिलाकर हो गया 1,00,000। अब ये साल भर बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, साल के एंड में देखा क्लोजिंग एफजी था 10,000। तो कोई बताएगा ये इवेंचुअली जाकर बेचा कितना, 90,000। तो ध्यान देना प्रोड्यूस होके आया 95, 5 पहले से पड़ा हुआ था, ऐड किए 1,00,000 बना, साल के एंड में 10,000 पड़ा रह गया था, यानी इवेंचुअली जाकर बेचा कितना है 90,000। तो देखो जो प्रोडक्शन किए वो था 95, ओपनिंग पहले से पड़ा हुआ था 5 ऐड कर दिए, क्लोजिंग में पड़ा रह गया 10 माइनस कर दिए, तो कितना गुड्स को सेल किए 95 प्लस 5 1,00,000 माइनस 10 कितना आएगा 90,000। मेरा इसका नाम क्या आने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितने गुड्स को हम सेल कर रहा है उसका कॉस्ट क्या लगा।
ठीक, मेरा आखिरी ओवरहेड जो गुड्स को बेचेंगे, जो गुड्स को बेचेंगे मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खाली उसी में लगेगा, इसीलिए लास्ट में ऐड किए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आया टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट क्या आया सेल। डन। यहां पे कौन आना चाहेगा भाई, इतना कॉन्फिडेंस। एक काम करो, एक और ना तुम लोग दो मिनट एक बार वापस से फॉर्मेट को रिवाइज करो, उसके बाद अगर किसी का मन चाहे तो यहां पर आना। एक मिनट पहले एक बार हम तुम लोग से पूछे, देखे तुम लोग बिना देखे कितना बता पाता है। एक बार पहले मेरे को बताओ, मेरा कॉस्ट शीट का एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताओ मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड। एक मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या प्लस क्या माइनस क्या, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था, वर्क्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, माइनस करेंगे सेल ऑफ, एड लेस ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, यार एक पैकिंग कॉस्ट आएगा प्राइमरी वाला, मेरा फैक्ट्री का काम हो गया, क्या आएगा फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। मेरा अगला ओवरहेड कौन सा आने वाला है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड और लेस। अब दो चीज होगा, रॉ मटेरियल इधर हो गया था, WIP का एडजस्टमेंट इधर हो गया था, अब एकमात्र क्या बचा है SG, उसका एडजस्टमेंट होगा इधर। ऐड करेंगे ओपनिंग SG, लेस करेंगे क्लोजिंग SG, क्या मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेरा आखिरी ओवरहेड, मेरे को क्या मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आएगा सेल। एक मिनट अपने आपको दो, वापस एक कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को रिवाइज करने में, फिर जो मन चाहे यहां पर आना और देखते उस समय जो मेरा मन हुआ उसको दे देगा। मिनिमम 500, कोई अगर मेरे मन को बहुत ज्यादा खुश कर दिया हम शायद डायमंड रिंग दे दे अपना। ये बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ। कोई भी यहां पर अगर आओ ना, बस तुम लोग खुद चेक कर लेना, तुम लोग ग्रीन कलर का नहीं पहना हुआ है, और कोई ग्रीन कलर का पहन के यहां पे आ गया वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्रोमा इफेक्ट आ जाता है, तो ग्रीन कलर का पहना हुआ यहां मत आ जाना, तो ग्रीन वाले मत आ जाना। हाँ चल जाएगा, ऐसे कोई दुकान में है ये वाला चल जाएगा। कोई आना चाहे, मेरे को पता है लोग चेहरे देख के लग रहा है आने का मन भी है और नहीं भी है। कोई आना चाहेगा, बहुत ही गिने, हाँ 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और। जो किसी एक को बुलाए बाकी लोग बुरा मत मानना, हम सबको मौका देगा, आज ही 3-4 लोग से पूछ लेगा बात बात में, बस यहां पे बुला के एक जन से पूछेंगे। चलो डन, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, ठीक। आप बताओ यहां पे कौन आना चाहेगा। चलो कुछ कुछ लोग हाथ उठाए, दो लोग को मौका देते हैं, ठीक। एक किसको दे, किसको दे, आप आएंगे, आओ। और सुनो, जब वो यहां पे आके आंसर देगा, कोई अगर हेल्प करने का कोशिश किया ना, गला घुट के मार देगा, बता रहे हैं। आइए आइए इधर आइए। क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखना नहीं है, नहीं लिखना नहीं है, आराम से बोलो।
से सीधे पहले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, फिर लेस सेल ऑफ स्क्रैप, एड ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स आएगा, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस, फिर लेस क्लोजिंग उसी का, फिर एड प्राइमरी पैकेजिंग, उसके बाद ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा, फिर वो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या नाम एक सेकेंड, आराम से लिख के कर, नहीं लिख के क्यों करेगा, ठीक है एक मिनट, रॉ मटेरियल डायरेक्ट ये कौन सा तरीका से कर रहा है? नहीं कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड होगा, कब ऐड होगा? उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऐड ओपनिंग है जी। हाँ, उसके बाद लेस क्लोजिंग, और लेस क्लोजिंग हो गया, फिर ऐड प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, उसके बाद सेल आ जाएगा। ये राइट था? नहीं, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ अगला कौन आना चाहिए? हम बता रहे यहाँ के भूल जाएगा, आएगा एक बार इस रो से एक जन को पूछे, अब एक मौका इस रो में दे देते हैं। अरे नहीं, देखो सबको कैसे एक बार में बुला पाएगा, फिर अगर ये भी नहीं हो पाया तो ये ठीक। कौन आएगा? तुमको आने के लिए ना बहुत लोगों को हटना पड़ेगा, तो हम इसलिए कॉर्नर वाले को बुला रहे हैं, आपके पास में पिलर है, बहुत लोगों को हटना पड़ेगा, आप आ जाओ। चश्मा मैम, आपका नाम क्या है? बस अरे आराम से। निकिता, आप बताइए कौशिक का फॉर्मेट क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर वो हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हम लोग लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, फिर ऐड करेंगे प्राइमरी पैकेजिंग, जो अमाउंट करेगा फैक्ट्री कॉस्ट को, एंड देन विल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड देन उसमें हम लोग ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करेंगे, जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन ऐड करेंगे प्रॉफिट या लेस करेंगे सेल्स, जो हो जाएगा सेल्स। अब एक मिनट, नहीं, अभी नहीं, ऐसे चालीस जितने जल्दी थोड़ी हट जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और था, ट्रेसेबल एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, इधर कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड विच इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टूल और प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स, असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट, एंड देन थ्री डिसीजन आर टेकिंग, वेदर द
sales loss making companies have to be continued or discontinued, and the company which net profit ratio is calculated and jiska zyada rehta hai usko increase karte hai uska sales. And lastly decisions regarding expense control, cost control or cost reduction if possible. आई गुन आ सेकेंडरी पैकेजिंग कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ओके. याद है और टोबैको में कुछ मॉइस्चर ऐड करना पड़ता है. 21% ये भी याद है. भगवान आज वॉलेट लाना भूल गया था क्या? लाइट फ्लैश. चलो डन. चलो तुम लोग नहीं नहीं हजार नहीं हजार नहीं तुम लोग के बैच का पहला इंसेंटिव मिलता है आपको 500. चलो वेरी गुड. सही से बताओ यहां पे बैठे हुए कितने लोगों को सारा आंसर याद था? एक्चुअली वही झमेला है, उधर याद रहता है, यहां आदमी आके सब भूलता है. हम तो नहीं भूलता. मैंने इसमें मेरा क्रेडिट दिया, आपको 10 साल हो गए इसलिए आप नहीं भूलते हैं. चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट खत्म. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हमारे एग्जाम में 100 मार्क प्रैक्टिकल आता है. थ्योरी रहता है जो रहता है, ऑप्शन में जो हम बताएगा पेपर पैटर्न क्या है, पर अगर कोई चाहे हाँ एमसीक्यू के अलावा जो बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है पूरा पूरी कोई चाहे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता है. तो हमारा मेन टाइम पूरा पूरी जाने वाला है प्रैक्टिकल करने में. एक काम करना आप प्लीज, एक बार आना हमारे बुक में पेज नंबर 2.6 स्पेशल. हे भगवान, इस बार भगवान मेरे साथ नहीं लग रहा अभी. हाँ नहीं नहीं नहीं, प्राइम कॉस्ट तुमको वर्ड यूज करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए मार्क रहता है एग्जाम में. हर एक सब हेडिंग का तुमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा. चलो काम. सर ऑनलाइन वालों का क्या? ऑनलाइन तुम लोगों के लिए हम कुछ वो करेगा, तुम लोगों को अलग से खोपचे में पूछेंगे. प्लीज एक बार आना पेज नंबर 2.6. क्वेश्चन नंबर 2. चलो एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं साथ में, बाद में आपको खुला छोड़ देंगे, अपने आप कंप्लीट करना क्वेश्चन नंबर 2. जरा देखिए क्या लिखा हुआ है. पेटीएम बिल्कुल करेंगे पेटीएम. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईयर एंडिंग 31st December 2015, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड COGS शोइंग प्राइम कॉस्ट. यानी शॉर्ट मेरे को पूरा का पूरा एक तरह का कॉस्ट शीट बनाना है. अब ना तुम लोग मेरे को देख के बताओ कौन क्या है. ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31st December 2015. देखो मेरा रॉ मटेरियल WIP, FG दिया हुआ है 1st January 2015. तुम लोग बताओ ये तीनों क्या दिया हुआ है. ये तीनों मेरा दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक. मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम में कम आएगा. मेरा ओपनिंग WIP याद है फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड के बाद आता है. मेरा ओपनिंग FG कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है. अब आगे दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड, पता है कहां जाएगा. मेरा अगला दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, पता है कहां जाएगा. अब ना एक बार में चारों लाइन को एक साथ देखो. ये चारों लाइन को एक साथ देख के बताओ, चारों के अंदर बताए एक वर्ड वो यूज किया हुआ है जो लॉजिकली गलत है. ये चारों में बताओ वो एक वर्ड तुम लोगों को क्या नजर में आया. एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, बताओ एक्सपेंस की जगह क्या होना चाहिए. ओवरहेड. पर क्वेश्चन में लिखा है ना एक्सपेंस, सॉल्यूशन में भी लिखेंगे एक्सपेंस, मन में बोल देंगे नो ईगो. यानी ये मेरा क्या है फैक्ट्री एक्सपेंस यानी फैक्ट्री ओवरहेड. ये मेरा क्या है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ये मेरा क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. 99% क्वेश्चन के अंदर में तुम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखेगा. ये होता क्या है ये कलम जरूर बताएगा, पर 99% क्वेश्चन में तुम लोगों को मिलेगा ही नहीं. अब आगे दिया हुआ है सेल ऑफ फिनिश गुड्स. ध्यान देना ये सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स है. यानी जो अच्छा गुड्स बनाया है उसको बेच के क्या मिला. यानी पता है ये कॉस्ट शीट का कौन सा लाइन है, लास्ट वाला सेल वैल्यू. सेल ऑफ स्क्रैप मत समझ देना इसको. लास्ट का 3 लाइन बताओ ये क्या है. रॉ मटेरियल WIP FG 31st December को दिया हुआ है, मतलब ये क्या है
क्लोजिंग स्टॉक? तो बोलेगा वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। इसमें एक जगह देखो, हर जगह वैल्यू दिया हुआ है, खाली क्लोजिंग एफजी में क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट। यानी क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दिया नहीं है, निकालना है जो मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हमारे सिलेबस का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट से प्लीज तुम लोग सबको एक कैलकुलेटर जरूर लेके आना, और क्या क्या चाहिए होता है? पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर, ये तीन चीज अनिवार्य है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, मेरा सबसे पहले कंपनी का नाम, जरा देखो तो कंपनी का नाम कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं दिया है। जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम होता है डॉट 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 डॉट, मिसेस डॉट 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 डॉट। ठीक है यहां तक? बनाना क्या है? कॉशीट। चलो लिखते हैं कॉशीट। ध्यान देना, जब भी हम लोग कॉशीट बनाते हैं हम लोग हमेशा बनाते हैं प्रोडक्ट वाइज, तो कॉशीट ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 फॉर ईयर एंडिंग December 2015। जो एकदम पीछे बैठे उन लोगों को सब दिख रहे हैं ना? कोई भी ऐसा क्लास का कोना जहां पे लोग नहीं देख पा रहे हैं? चलो डन। वैसे एक बात बताओ, हैंडराइटिंग कैसा लगा? हाँ मस्त है। मस्त कौन बोला? मस्त लगा। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। चलो इसी बहाने हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट फिर से रिवाइज हो जाएगा। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा गारंटीड है तुम लोग हर एक जन को क्वेश्चन का फॉर्मेट माइंड में सेट हो जाएगा। जीवन का आखिरी सांस पे पूछेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट, बता देगा। सबसे पहला बात, मेरा पहला लाइन क्या है? एक मिनट आप बताइए, पहला लाइन क्या? आपका नाम क्या है? अक्षत। पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलने वाला है? ओपनिंग रॉ मटेरियल एड परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब ये तीनों को ना डिटेल कॉलम में लिखेंगे, ओपनिंग एट परचेज माइनस क्लोजिंग, टोटल निकाल के बाहर। समझे क्या बोला? ट्राई करो एक रॉ मटेरियल कंज्यूम रखते हैं निकालने का। यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम में WIP, FG ये सब स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, आराम से यूज कर सकते हैं। चलो ऐड करेंगे परचेज, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तुम लोग ट्राई करो एक बार ये तीनों का जो भी वैल्यू पुट करके मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम अपने आप कैलकुलेट करने का। मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है भाई? 25। मेरा परचेज कितना है? 2 लाख। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहा है? इसलिए तीनों ओपनिंग है, ये तीनों क्लोजिंग है, ये रहा। यहां लिखते हैं 25,000। ये आ गया 2 लाख। मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 45,000। सुनो ना, कोई एड लेस करके बताओ ना कितना आएगा? ये मेरा आने वाला है 1,80,000। पूरा तुम लोग को यहां तक आया ना? मेरा कॉस्टशीट का पहला लाइन डन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। जरा देखो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? ये रहा 2,70,000। मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 2,70,000। यानी मेरे कॉस्टशीट का तीसरा लाइन क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, और जब रहेगा ना वो एग्जैक्ट ये वर्ड यूज करेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर एक
या फिर ट्रेसेबल एक्सपेंस। देखो पूरे के पूरे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर जीरो लगना हमको तो चीप लगता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। यानी ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, जीरो, चीप लगता है। चलो एक काम करें, एक और ऐड करके निकाले मेरा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू क्या आएगा। भाई आराम से आराम से। मेरा 182.70 मिलाकर आने वाला है 4,50,000। बोला है ना यहां तक, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और था, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। पर जो वर्ड क्वेश्चन में यूज करे वही यूज कर देना, मम ने बोल देना नो ईगो। देखो यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो वर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना है, 144। ठीक। मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड के बाद माइनस करना है, सेल ऑफ स्क्रैप। जरा क्वेश्चन में देखो, सेल ऑफ स्क्रैप नजर में आ रहा है क्या, और अगर नजर में नहीं आ रहा है तो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप लिखकर जीरो मत लिखना, चीप लगता है। आपका नाम क्या है, अंश, ANSH। माइनस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं करेंगे, पता है जब तक सेशन खत्म होगा ना मेरे को हर एक जन का नाम याद हो जाएगा, हर एक जन का। क्या टेस्ट लेंगे आपका? अच्छा तुम वही है ना लास्ट डे वाली दीदी, एक थी ना जो बहुत लड़ाई करके गई थी, तुम ही तो थी, दो घंटा एक घंटा ये सब बोल रहा था। नहीं, आप इसके बाद लेस सोलो स्क्रैप है नहीं, ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। चलो ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। आइदर एक ऑप्शन है डिटेल कॉलम में दिखाओ नेट में बाहर, या अगला ऑप्शन है सीधा बाहर में दोनों दिखा दो। तुम लोग क्या करना चाहते हैं हम भी वही कर लेगा। कहां दिखाना है, डिटेल में बाहर, डिटेल में या बाहर, इसमें क्या लड़ रहा है, कर लो ना, आंसर तो सेम ही आएगा। क्या करें हम, करना चाह रहे हैं बाहर, चीप लग रहा है, चीप क्यों लग रहा है बाहर, डिटेल कॉलम में कर दे रहे हैं। चलो मैं हमको समझ, हम परमिशन की इस बात का ले रहे हैं। चलो ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कहां है भाई, कहां है ये रहा। मेरा क्लोजिंग WIP कहां है, ये रहा, तो 36 and 54। अब तुम पक्का एक चीज गलत बताएगा, बताओ 36 माइनस 54 हम अमाउंट कॉलम में क्या लिखे, 36 यहां पे माइनस 18 है, यानी पता है अमाउंट कॉलम में क्या लिखने वाले हैं, माइनस 18,000। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, तो थोड़ा चोक खोल के देखना, चोक मैंने समझा था। हमको लाइफ में इतना दुख है ना, मेरा आंख इतना छोटा है, और अगर हम बाय चांस स्माइल करें तो पता ही नहीं चलता आगे एक लाइन बन जाता है। ठीक, ये किया ऐड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP। इसके बाद मेरे को ऐड करना है एक पैकिंग कॉस्ट, बोलो कौन सा। चलो एक काम करें, अगला लिखते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। हाँ था, अच्छा नहीं है, मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है, तो लिखकर जीरो क्या लिखना, चीप लगता है अंश को। चलो यानी एक काम करते हैं, ऐड करके क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। बोलो यहां तक क्लियर है, अरे बोलो ना। चलो ये आने वाला है फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट 5,76,000। पक्का ना, तुम लोग भरोसे चल रहा है, हम कुछ कैलकुलेशन कर नहीं रहे,
चलो डन। कुछ लोग का है 1,26,000, कुछ लोग का है 1,26,000, कितनों का आया है हाथ उठाओ, 1,26,000 वाले पक्का, किसी का आया है 1,26,000, कैसा झूठा लोग है, पक्का आया है आपका ही आया 1,26,000, किसी का नहीं आया है, हम मान ही नहीं सकता। अंश का आया है 576, आया है बोलो ना 1,26,000 आया कि नहीं, हम 1,000 रुपए देगा। कितने का है 1,26,000, पैसे के लिए ईमान बेच दिया अब तो। एक्चुअली कुछ लोग से ना भूल से वो लोग खाली दिस माइनस दिस कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट के लोग भुला देते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं हर बार, पता नहीं इस बार कोई क्यों नहीं किया। एक्चुअली मेरा फैक्ट्री अबाउट कॉस्ट आया, मेरा फैक्ट्री अबाउट कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा सेकंड ओवरहेड, जिसका नाम क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है वही लिखना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है 90,000, ये आ गया है 90,000, यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो चीज मुझे लॉजिकल नहीं लगता, हेड ऑफिस का खर्चा का प्रोडक्शन से क्या लेना देना, पर ऐड हो गया है। चलिए यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रिपल सिक्स। बोलो तुम लोग यहां तक आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एजी, माइनस करेंगे क्लोजिंग एजी। ओपनिंग एजी तो दिया है, क्लोजिंग एजी नहीं दिया है, चीप विप नहीं लगेगा, कैलकुलेट करना है नहीं तो चीप लगेगा। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एजी, लेस करते हैं क्लोजिंग एजी, ऐड करते हैं ओपनिंग एजी, लेस करते हैं क्लोजिंग एजी। मेरा ओपनिंग एजी का वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में दिख रहा है, 1,44,000 दिख रहा है, चलो लिख देते हैं। यानी इस इन्वेंट्री का वैल्यू किया गया है कॉस्ट पे। तुम लोग बचपन से पढ़ा हुआ कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, यहां पे कॉस्ट पे वैल्यू किया गया है, ठीक। मेरा ओपनिंग एफजी दिया हुआ है 8,000 यूनिट, जिसका वैल्यू है 144, लिख दिए। जो मेरा क्लोजिंग एफजी है इसका यूनिट दिया हुआ है 10,000, पर आगे बोलता है एट कॉस्ट। अब यह क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है यह हम लोग को जानना है। बोलो अभी तक क्लियर था, कोई भी बाय एनी चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तुमने वैल्यू निकाल लिया, एक मिनट मेरे को देखने दो। हाँ मेरा वैल्यू आ गया, तुम लोग बताओ तुम लोग का वैल्यू क्लोजिंग एफजी का अगर बाय चांस कोई कैलकुलेट किया है तो क्या आया, कितना आया, 1,80,000 आ गया, 1,80,000 आया है, कितनों का आ गया, ओ माय गॉड, 1,80,000 निकाल लिया। इसके अलावा और कोई आंसर, इसके अलावा कोई भी और आंसर, कुछ तो बोलो। एक बार लाइव ऑनलाइन जो कर रहे हैं एक बार प्लीज बताओ, आप लोग में किसी का वैल्यू आया क्या, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कितना है, 1,80,000 आ गया, ये तो देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यस हमारे लाइव ऑनलाइन में आया 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, सबका आया 1,80,000। एक मिनट एक बार क्लास में कितने लोग का 1,80,000 आया हुआ है, गर्व के साथ हाथ उठाओ, वन लाख एटी, वन लाख एटी। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये 1,80,000 जो तुम लोग कैलकुलेट किया है ये राइट है या रॉन्ग, मेरे को बताना है। मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या क्या मतलब, मान लो 99% लोगों ने कह दिया 1,80,000, कितना,
क्या क्या बोल रहा है? हमारे 99.99% क्लास ने कहा है 1,80,000, अचानक से बीच में एक इंसान आया जो बोलता है 2,00,000 क्या 8,000 एक नहीं दो दो लोग बोल रहे हैं। अच्छा उसने क्या बोला? वो बोल रहा है वो तुम्हारा भी 2,08,125 आया। मेजॉरिटी ने कहा है 1,80,000, खाली दो लोग इतने बड़े क्लासरूम में खाली दो लोग ने कहा है 2,08,125। क्वेश्चन उठता है राइट है रॉन्ग? मेजॉरिटी जनरली हमेशा राइट होता है, ध्यान देना जनरली राइट होता है हमेशा नहीं। तुम्हें यह सस्पेंस मत बनाइए, तुरंत बताइए हम लोग राइट है रॉन्ग है, तुरंत राइट है रॉन्ग। आपको जान के खुशी मिलेगा आज के दिन मेजॉरिटी ने जो कहा है 1,80,000 वो एब्सोल्युटली करेक्ट या इनकरेक्ट में क्या है मैं हम बताने वाले हैं। वो राइट है रॉन्ग मैं बताने वाला हूं। इसका राइट आंसर है क्या? आंसर बताओ इसका राइट। हां बोलो कितना? एक और आंसर है 3,00,000। इसका राइट आंसर हम बताते हैं 1,80,000 का है 99.97% लोगों ने। हम जा रहे मतलब कहां जा रहे हम जा रहे? अरे ठीक है नो सस्पेंस सीधा आंसर दे। आपको जान के खुशी मिलती है। अरे ठीक है ठीक है 1,80,000 करेक्ट या इनकरेक्ट के अंदर में 1,80,000 एकदम गलत है। आई एम रियली सॉरी 1,80,000 गलत है। राइट आंसर है 2,08,125। तुमने ऐसे कैसे कर दिया? एक मिनट 2,08,125 वाले हाथ उठाओ, तुम्हारे कब आ गया? अच्छा कैसे आया? समझ गया चलो ठीक है। क्या लिख रहा है? 10 का दम मत खेलिए सर। सलमान खान का बिग बॉस वाला हा। इसका राइट आंसर है 2,08,125। क्वेश्चन उठता है ये ट्विस्ट कैसे हो गया हमारे जीवन में? एकदम राइट आंसर देने का जस्ट स्टार्ट किया था आपने। आपका नाम क्या है? पूजन। क्या बात है पूजन, PUJAN। क्या बात है पूजन, एकदम राइट बात बोला कि ये जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना 1,44,000 ओपनिंग स्टॉक, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, यानी पिछले साल के कॉस्ट के बेसिस पे इसका वैल्यू किया गया है। पर भाई ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यू तो इस साल के कॉस्ट पे करना है, तो ये जानना है ये करेंगे कैसे। एक काम करना ब्रैकेट में लिखता वर्किंग नोट 1। मजा आ गया। और एक बात बताते हैं, ये एफजी का कैलकुलेशन करना तुम लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं? तुम लोग ना 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 ये सब हम लोगों मत जोड़े, हम लोग कुछ नहीं करके आए हैं, एकदम करके आए हैं सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर का नाम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। छोड़ के गए थे सही में? तुम लोग चैप्टर छोड़ के चला जाता है भाई? क्या बोल स्ट्रैटेजी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के गया था फाउंडेशन देने? पक्का 40 था ना? देख लिया जरा वापस से। हम बताते हैं जो मेरा क्लोजिंग एफजी है, जो मेरा क्लोजिंग एफजी है ये इसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैसे होता है जैसे हम लोग किया करते थे फाउंडेशन में अकाउंट्स के अंदर में। एक से क्लास में किसी का भी फाउंडेशन में अकाउंट्स में 90+ अकाउंट्स में 90+ 80+ अकाउंट्स में 80+ 90+ कितना आया? CA फाउंडेशन अकाउंट्स 92। क्या नाम है? क्या बात है। किसी का फाउंडेशन में मैथ्स में 100 में 100? अरे पूछ रहे नहीं, 100 में 100 90+ मैथ्स 90+ 80+
70 प्लस, 80 प्लस, हाँ 80 प्लस देख लिया देख लिया, किसी का 100 नहीं आया। बोलते मजाक हद तक होता है, हो गया 47 मिनट, हमको 47 मिनट तक लाना था इसलिए हमने सब बात किया। आप पहले एक मिनट एक से बस एक चीज मेरे को जानना जरूरी है, ताकि हम कॉस्ट में ना थोड़ा बहुत मैथ्स का चीज आता है, कितनों को यहां पे मैथ्स से प्यार है, कितने लोग को मैथ्स से भयानक वाला नफरत है। कितने लोग के लिए आपको जो करना करिए, आई डोंट केयर, यानी मैक्सिमम लोग को मैथ्स इतना प्यारा नहीं है और कुछ लोगों को प्यारा है। मेरे जीवन का पहला प्यार था मैथ्स, पहला प्यार मैथ्स, इतना अच्छा लगता था मैथ्स, इतना अच्छा कि यार मैथ्स कहीं सही में ह्यूमन बींग होता मैं उससे शादी कर लेता, हमको इतना अच्छा लगता था। मेरा क्लास 10 में बोर्ड में मैथ्स में आया था 100 में 100, क्लास 12 में बंगाल बोर्ड था 200 नंबर का मैथ्स होता था, हम एडिशनल भी 200 नंबर का मैथ्स दिया तो 400 मार्क का मैथ्स आया, 400 में 400। बीकॉम था 100 नंबर का 100 में 100, सीए फाउंडेशन 100 मार्क का 100 में 100। तो मैथ्स मतलब पहला प्यार, मतलब इतना अच्छा लगता है मैथ्स, लाइफ का पहला प्यार। रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट दिखाइए, मैंने शक हो रहा है, दिखा देंगे नेक्स्ट डे। पर देखो अगर बाई चांस कभी भी लगे ना डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं करना, बुक खोलना, पहला पेज देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टिल चलो ये सब हटाओ, अब बात करते हैं मेरा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे निकलेगा। फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है एक चैप्टर का नाम था इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन, जहां पे इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड होता था। हम एक नाम लेगा, बाकी नाम तुम लोग लेगा। पहला नाम था फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ये क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, जो मन चाहे मेथड लगाना, हम लोग लगाने वाले हैं फीफो। बताओ फीफो का मतलब क्या? घड़ी देखो, घड़ी देखो पहले, ठीक 47 मिनट पहले हम बोला था 47 मिनट बाद एक चीज का मतलब पूछेगा, तुम्हें बताएगा फुल फॉर्म। एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था, पर मेरा ना अगर हम ये सब बात नहीं करता ना 42 मिनट में आ जाता, तुम 4-5 मिनट पहले इधर उधर बात करके 47 मिनट तक लेकर आए। तो आंसर ही राइट दे रही थी, बैठ के घड़ी नोट कर रही थी। एक मिनट, फीफो का मतलब क्या है? मतलब जो कुछ पहले आया वो पहले जाएगा। हाँ मतलब मेरे को तो मजा लेना था ना। चलो एनीवेज ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे, अराउंड यहां पे 5-6 लाइन छोड़ते हैं, कि यहां पे आएगा सीओजी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट सेल, 7-8 लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट बॉटम 1। हे ईश्वर, मेरे को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एफजी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एफजी। जब भी ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग हमेशा करेंगे दो स्टेप में, और ये इतना सारा क्वेश्चन में कर लेंगे ना कि बाद में तो हैबिट हो जाएगा। आप देखो मेरे पास पता है क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है, मेरे को ये सोचना है कि यार अभी ना इस कंपनी में दो तरह का स्टॉक है, एक जो ओपनिंग में पहले से पड़ा हुआ था, अगला जो और फैक्ट्री ने बनाकर भेजा है। तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसके अंदर का है या इसके अंदर का है, ठीक। यानी देखो दो तरह का स्टॉक है, वो मेरा फैक्ट्री कहां है, मेरा फैक्ट्री कहां है, हाँ। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में रहेगा एफजी, एक कुछ शुरू में था कुछ और बन के आया, अब इसमें कुछ बिक गया होगा कुछ पड़ा रह गया होगा। यानी मेरे पास स्टॉक होता है दो तरीका का, एक जो ओपनिंग में है, एक जो बनकर आया है। चलिए काम कर नीचे लिखते हैं यहां पे वर्किंग नोट में, सबसे पहले वो ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं। देखो इक्वेशन तुम लोगों को जमता है क्या? ओपनिंग में एफजी कितना था, इमेजिन करो। हाँ नहीं, हमको भी पता है, हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक।
देखो एक वेयर हाउस के अंदर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में इमेजिन करो, ओपनिंग में एफजी क्या था प्लस, और फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस करके दिया, वो जुड़ जाएगा, जुड़ गया। इसमें जो क्लोजिंग में पड़ा रह गया उसको हटा देंगे तो बाकी को ये क्या किया, सेल किया, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी, क्या मिलेगा सेल। ये हम लोग सारा लिख रहे हैं यूनिट के टर्म्स में। मान लो मेरा वेयरहाउस है, बिगनिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था और हमारे फैक्ट्री भैया ने कितना भेजा, इसमें कुछ जो पड़ा रह गया वो पड़ा रह गया, बाकी बेच दिए, तो हम ये लिखा एक इक्वेशन। बताइए इक्वेशन समझ में आया? देखो तुमने जवाब नहीं देगा हम घर चले जाएगा, चले जाए हाँ, अरे बोलो ना, अरे क्या नहीं घर का नहीं पूछा, समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ओपनिंग में कितना स्टॉक था और कितना बन के आया, हो गया टोटल। अब जो साल के एंड में मेरे पास पड़ा रह गया उसको हटाओ, बाकी बेच दिए। अब एक बात बताए, प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी तीनों का यूनिट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा देखो तो दिया हुआ है, उससे मेरे को मिलने वाला है प्रोडक्शन, हम लोग साल भर में क्या किए। एक बार फटाफट कैलकुलेट करें क्या आएगा, मेरा ओपनिंग एफजी कितना है 8000, सेल कितना किए हैं 30000, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10000। तुम लोग क्या प्रोडक्शन अपने आप कैलकुलेट करके बताएगा, ढंग से करना, तुम लोग बोला तुम लोग को मैथ पसंद नहीं है। ओपनिंग एफजी था 8000, कितना यूनिट और बनाए मेरे को पता नहीं, वही निकालना है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ है 10000, भाई मेरे को ना ये लोग ऑफलाइन बोल रहे हैं 28, ऑनलाइन बोल रहे हैं 32, प्रोडक्शन हुआ कितना है, सेल कितना है, सेल कितना है, सेल कितना है, सेल कितना है 30000। तुम लोग ये सॉल्व कर पाएगा, आता है मतलब ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा ना तो पता है प्लस हो जाता है, तुम लोग बोला मैथ पसंद नहीं है, जब ये इधर जाएगा पता है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरा प्रोडक्शन आएगा 30 + 10 = 40, माइनस 8 कितना आएगा 32000 यूनिट्स। बोलो तुम लोग यहां तक निकाल पाया, शुरू में 8000 था, 32 और बन के आया मिलाकर 40, जिसमें 30 बेच दिए बचा रह गया 10, वेरी इजी। ये हुआ मेरा पहला स्टेप, अब निकालना है क्लोजिंग एफजी का वैल्यू क्या। एक काम करें यहां लिखते हैं क्वांटिटी वैल्यू एंड रेट, लिखते हैं क्वांटिटी वैल्यू और रेट। देखो दो तरह का स्टॉक वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, एक ओपनिंग वाला और एक जो करेंट ईयर में बन के आया, तो एक लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक और एक लिखते हैं कितना करेंट ईयर में प्रोड्यूस होकर आया। मेरा वेयर हाउस में दो तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है, एक जो साल के बिगनिंग में पहले से पड़ा हुआ था, अगला जो और बनकर आया है। पता है ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी और वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, जरा देखो तो ओपनिंग एफजी का क्वांटिटी और वैल्यू कितना दिया हुआ था, 8000 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना है 1,44,000, 1,44,000, ठीक। आपको मेरे को एक बार डिवाइड करके रेट बताएगा, यानी जो ओपनिंग स्टॉक था उसका रेट क्या चल रहा था, ₹18 पर यूनिट। बोलो यहां तक क्लियर है, यानी इतना स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन होता है और कितना यूनिट बन के आया, कितना यूनिट बन के आया, देखो जस्ट निकाले ना 32000। कोई बताएगा ये कैसे मिलेगा, जो यूनिट प्रोड्यूस किए उसको बनाने का वैल्यू क्या था, उसको बनाने का खर्चा क्या था, वो कॉस्ट शीट में दिख जाएगा। प्रोडक्शन करने का कॉस्ट 10,08,000, वो अच्छा। देखो जितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस किए हैं इसको बनाने का कॉस्ट क्या लगा है, 666,000। यानी जो 32,000 यूनिट बनाए उसका वैल्यू कितना लगा, 666,000। क्या कोई मेरे को डिवाइड करके और रेट बताएगा, 20.85। जनरली पूरे कॉस्ट के अंदर में कभी भी रेट निकालो हमेशा 4 decimal point लेना चाहिए ताकि अप्रोक्सीमेशन एरर खत्म हो जाए। 4 decimal point समझ आता है, डेसिमल पॉइंट एक बिंदी मारते हैं ना उसके 4 digit। ये कितना आएगा, 20.85।
क्लियर है यहां तक? आज यानी वेयरहाउस के अंदर में 8000 पहले से था इस रेट पे, 32,000 और आया इस रेट पे, यानी कुल मिलाकर हो गया 40। अब 40 में देखो हम लोग बेचे कितना है, 30,000। मेरे को लगाना है फीफो, फीफो आज जो पहले है वो पहले जाएगा। तुम लोग बताओ कुल मिलाकर बेचे हैं 30,000, पहले इन दोनों में कौन सा बेचेंगे, कौन सा बेचेंगे? जो पहले आया वो पहले जाएगा, बताओ पहले कौन सा आया था? ओपनिंग वाला पहले से पड़ा हुआ था, तो पहले 8000 बेचेंगे, तो 30 में से 8 गया, बिक गया, 30 में से 8 गया, अभी भी तो 22,000 बेचना है, बताओ वो कहां से बिकेगा? इधर में से बिकेगा 22,000, बताओ अगर इसमें से बिका 22,000 तो क्या पड़ा रह जाएगा? 10,000, क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000 था, कौन से लॉट का रहेगा? इस लॉट का, इसका रेट क्या रहेगा? ये तो क्लोजिंग एफजी क्या आएगा? 10,000 यूनिट, कौन से रेट पे? 20.8125। एक बार वंस मोर, वंस मोर, यस सर। पहला तुम लोग ये टेबल समझिए, जो लिखा दो तरह का स्टॉक है 8,032, यानी कुल मिलाकर है 40, 40,000 कुल मिलाकर है जिसपे बेचे हैं 30,000। मेरे को लगाना है फीफो, फीफो का मतलब क्या, जो पहले आया था वो पहले बेचेंगे, तो पहले देखो ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था, तो जब 30,000 बेचेंगे सबसे पहले ये वाला बेच देंगे, बिक गया, अभी भी तो 22,000 बेचना बचा हुआ है, तो 22,000 बिकेगा इधर में से, तो 32 में से 22 बिक गया, 32 में से 22 बिक गया, ये नहीं पता पड़ा क्या रह जाएगा? 10,000, कौन से रेट का? इस रेट का। ठीक, एक मिनट, तुम लोग से ना एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा रहता लगाओ लिफो, लिफो का फुल फॉर्म, लिफो का मतलब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, अब बताओ जो लास्ट में आया वो पहले बेचेंगे, तो बताओ पहले किसको बेचेंगे? ये 8,000 या 32,000 वाला? 32 वाले को पहले बेचेंगे, और बेचना कितना था? 30,000, तो 30 तो गया, क्या बचा रह गया? 2, और क्या लगता है ये 8,000 गया या पड़ा रह गया? यानी देखो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट था, 8,018 के रेट का, 2,000 20.8125 के रेट का। एक मिनट, समझ में आया? वंस फोर, वंस फोर, हाँ, वंस फोर, वंस फोर, वंस मोर, बोलो ना, अरे बोलो ना, ठीक। चलो एक काम करें, फटाफट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैलकुलेट करते हैं फीफो पे। चलो एज पर फीफो कबा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, यानी ध्यान देना 8,000 था शुरू में, 32 और आया मिलाकर 40, 40 में 30 बेचे, लगा रहे हैं फीफो, जो पहले आया वो पहले बेच रहे हैं, हाँ जो पहले आया वो पहले बेच रहे हैं, तो पहले तो ये 8,000 था बिक गया, बाकी 22,000 इधर से बिकेगा, तो 32 में 22 गया, बचेगा 10 इस रेट का। ये शायद वैल्यू आएगा 208125। यानी पहला स्टेप में कैलकुलेट किए कितना यूनिट बनाना है, अदरवाइज ये वाला रेट कैसे मिलता, तो पहला स्टेप में निकाले प्रोडक्शन कितना करना है, फिर देखें ओपनिंग ऑफ प्रोडक्शन का क्या हुआ। हम चाहेंगे क्वेश्चन आप लोग स्वयं कंप्लीट करने का प्रयास करें, आपके पास समय है 2 मिनट। करेक्ट 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 करेक्ट। आपका नाम क्या है? हाँ दिया, मेरा एक्चुअली पता है बीच बीच में कान थोड़ा खराब हो जाता है, तुम कुछ उल्टा सीधा सुनता है। आज यह है मेरा 208125, वैल्यू पुट करते हैं और कौशल अपने आप खत्म करना, ट्राई करो करने का, हो गया डन, क्या बात है। आएगा 208125। अब एक काम करें, एक बार नेट में निकालते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग एफजी क्या बना, ये शायद आएगा -64125, सही है यहां तक? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी करके मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
ये शायद आएगा 601875। बोलो सही है यहां तक। इसके अंदर को मेरा लास्ट ओवरहेड ऐड करना है जिसका नाम क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहां है, ये रहा, सेलिंग है 54, डिस्ट्रीब्यूशन है 36। तुम लोग एक लाइन में लिखा है या दो अलग अलग लाइन? कुछ भी चलेगा, दोनों राइट है। हम क्या करें, मेरा सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 54, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है 36, यानी टोटल मिलाकर आएगा 90। जैसी ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ सेल जो शायद आने वाला है 691875। सही है यहां तक। ऐड करना है प्रॉफिट, सेल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं दिया है, सेल दे दिया है, तो प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। सेल कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा 9 लाख। मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है, मेरा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो भाई प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेल माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट। एक बार मेरे को बताओ ना, प्रॉफिट 20। ये नंबर तो अच्छा, मेरा प्रॉफिट आया 208125। ठीक, पता है कुछ लोग ना डेढ़ होशियार, आप सोचेंगे अच्छा ये है 208125, क्लोजिंग भी है 208125, मतलब ये हमेशा मैच करेगा। ये मियर कोइंसिडेंस था, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। ये बस खाली इस क्वेश्चन में हो गया, पर इस भरोसे मत कर लेना क्वेश्चन, ये मियर कोइंसिडेंस था जो हो गया, अदरवाइज ऑब्वियस सवाल है दोनों वैल्यू रहेगा अलग अलग। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक, अब एक काम करते हैं, जो तुमने वर्किंग नोट लिखा था ना, उसके नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट। सेल्फ नोट का मतलब होता है हमारे आपस का बात, ये एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे आपस का बात है, आपस तक ही रखना। हम बोले अगर बाय चांस ये क्वेश्चन मैं लीफो बोल देता या सिंपल एवरेज बोल देता या वेटेड एवरेज बोल देता तो क्या करते, उसके लिए तीन अलग अलग क्वेश्चन करके क्या फायदा। सेल्फ नोट में लिखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फीफो में ऐसे हुआ, बाकी तीनों में कैसे होता है, एक एक लाइन में। नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट्स। नीचे स्क्वायर रूट नहीं, ये नोट है, नोट नोट। ये भगवान, मुझे स्क्वायर रूट में लिखना है क्या? किसी को स्क्वायर रूट नजर आया, किसी को सांप नजर आया। चलो एक काम करें, सेल्फ नोट पहला लिखते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक चाहो तो हेडिंग बना दो, फिर दोनों को एक साथ में लिखकर लिख देना 90, या अलग अलग लिखने से भी चलेगा। ठीक, लिखते हैं पहला पॉइंट नंबर 1, एज पर लिफो कॉमा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू। तुम लोग एक बार ट्राई करेगा अपने आप कैलकुलेट करने का। तो अलग अलग आंसर आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग भी चेक कर लेते हैं। देखो नाम क्या है लिफो, बस खाली ये दोनों को देखना है और कुछ नहीं, खाली दोनों को देखना है। फीफो के अंदर में पहले इसको बेचे थे, लिफो नाम खुद बता रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया था पहले उसको बेचेंगे। अब इन दोनों में देखो लास्ट में क्या आया था, ये वाला, तो इसको पहले बेचना है, और भाई बेचना कितना है 30,000, बेचना है 30,000, तो सबसे पहले बेचेंगे ये वाला, तो 32 में से 30 गया, 32 में से 30 गया, क्या बचेगा 2000, और बताओ ये 8000 बिक जाएगा या पड़ा रहेगा,
यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा 8018 का रेट का एंड 2020.8125 के रेट का। एक मिनट तुम लोग ये बात समझा। अरे हाँ ठीक है मंगड़ा ही ले रहे हैं, ये हम बीएस का वेट नहीं कर रहे हैं। तो लीफो लास्ट वाला आउट, लास्ट वाला आउट, तो लास्ट वाले को आउट किए 30, बच गया 2 और 8000 पूरा रह गया। तो चलो यहां लिखते हैं 8000 का रेट होगा 18, 2000 का रेट होगा 20.8125। एक बार ये दोनों मिला के बताओ ना वैल्यू कितना आ जाएगा 185। पक्का ना? ठीक, अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2 एज पर सिंपल एवरेज। अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2 एज पर सिंपल एवरेज मेथड। नाम खुद बता रहे हैं सिंपल एवरेज, बड़ा सिंपल मेथड है। सीधा सीधा देखो क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है एक रेट। क्वेश्चन उठता है रेट कैसे मिलेगा। देखो दो तरह का स्टॉक पड़ा हुआ था, ये दोनों स्टॉक का जो रेट आया ना उसका सिंपल एवरेज निकालना है। मेरा 10,000 यूनिट पड़ा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में, मल्टीप्लाई करना है एक रेट। रेट कौन सा आने वाला है, देखो जो दो तरह का स्टॉक था ये और ये, इसका जो रेट आया उसका सिंपल एवरेज करना है। एक मिनट पहले बताओ सिंपल एवरेज क्या होता है, मतलब कैसे मिलता है। जैसे मान लो 3 और 4 का सिंपल एवरेज क्या आएगा 3+4/2, तो यहां पे इन दोनों का सिंपल एवरेज निकालना है 10+10/2। ठीक, चलिए काम करें एक बार निकाले 18+20.8125 का सिंपल एवरेज। तुम लोग समझ में क्या किया, बोलो ना। yes, ये कुछ कुछ याद आ रहा है फाउंडेशन में पढ़ा हुआ। yes, ये वाला फिर से देखो मेरा सिंपल एवरेज में 10,000 यूनिट पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, लिख दिया 10,000। अब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एक रेट, कौन सा रेट चाहिए, सिंपल एवरेज रेट। और ये सिंपल एवरेज रेट कैसे मिलेगा, देखो दो तरह का स्टॉक था, दोनों का रेट पता है, इन दोनों का सिंपल एवरेज करना है। कोई भी सिंपल एवरेज कैसे होता है, उन दोनों को ऐड कर दो बाय 2। कुछ याद आ रहा है फाउंडेशन में सब सुना हुआ, सुनो ना कोई मेरे को वैल्यू बताएगा फाइनली, मल्टीप्लाई कर कुरा के लास्ट जाके वैल्यू क्या आएगा 1940625.5। कैसा तुम लोग कर रहे हो, 1940 6.5, समझ गया, हाँ 63 भी चलेगा। ठीक, बस लास्ट लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, अगर बाई चांस बताओ एक और कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज। सुना सुना लग रहा है सब, कि सब सुना सुना लग रहा है ये वाला या ये वाला। सुना सुना मतलब हाँ सुना हुआ लग रहा है, सुना सुना मतलब क्या हो रहा है, ये क्या पहला या दूसरा, पहला लग रहा है ना। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 3 एज पर वेटेड एवरेज मेथड। मेरा वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से यूनिट तो देखो 10,000 है वो तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई करना है एक रेट। बताओ यहां पे कौन सा रेट निकाले, नहीं मतलब पहले वाले में सिंपल एवरेज रेट निकाले थे, यहां पे बताए क्या निकालने वाले हैं, वेटेड एवरेज रेट। कैसे आएगा बस नीचे लिख लेते हैं, वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू हम बताते हैं। मेरा वेटेड एवरेज रेट कैसे आएगा, वेरी इजी, जितना तरह का स्टॉक है ना सारे के वैल्यू को जोड़ दो, वेटेड एवरेज में सब मिल गया, जितना भी क्वांटिटी है ना सारी क्वांटिटी को जोड़ दो, डिवाइड करते ही रेट। वापस से बोलते हैं, मेरा रेट आएगा कैसे, मेरा रेट आता कैसे है, वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके। दो तरह का स्टॉक था, दोनों के वैल्यू को जोड़ दो, टोटल वैल्यू आ गया। दो तरह का स्टॉक था, दोनों के क्वांटिटी को भी जोड़ दो, टोटल क्वांटिटी आ गया। यानी जितना टोटल वैल्यू आया उसको जैसे ही डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से,
ये जो रेट आएगा इस रेट को क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज रेट। एक बार तुम लोग रेट कैलकुलेट करेगा, एक मिनट, तो ये फॉर्मूला एक से निम्न, ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, समेशन या सिग्मा, हाँ समेशन ऑफ वैल्यू आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी, यानी जितना वैल्यू है सबको जोड़ दे, आज जितना क्वांटिटी है सबको जोड़ दे, डिवाइड करके जो रेट आएगा उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज रेट। ये आने वाला है 20.25. नहीं, ये रेट खाली है, रेट कितना आ रहा है, 20.25 पर यूनिट। आज जैसे ये रेट को क्लोजिंग स्टॉक के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा ये 2.50। बोला आया ना यहां तक? अब आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, फीफो लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज लगेगा, तो प्रैक्टिस करते करते तो नॉर्मल हो जाएगा। तुम लोग समझ गए ना वाला चीज? पक्का ना? चलो वेरी गुड। अब बस एक छोटा सा 5 मिनट का क्वेश्चन है, 3 लाइन का, वो करते हैं और आज खत्म करते हैं। एक काम करना, करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तुम लोग तुम लोग को होमवर्क देना, हम कब से स्टार्ट करें? क्या बात है, ये हो ना बात, आज से देना स्टार्ट करें। चलो वेरी गुड। क्या बोल रहे, बोलो ना, क्या बोल रहे, बोलो ना, चलो मुस्कुरा रहे। चलो एक काम करना, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहां गया वो? भाई ये क्वेश्चन कहां गया? ओ नहीं नहीं, ये रहा, ये रहा, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर तुम लोग क्या करेगा क्लास के बाद? घर चले जाएगा। अब बढ़िया लाइफ है तुम लोग का। अच्छा हाँ ठीक है, हम भी गए थे। जब तुम लोग का सारा ट्यूशन शुरू हो जाएगा, क्या मजा आएगा। ट्यूशन में आया तो बेस्ट लाइफ है तुम लोग का। आया 2 घंटा बैठा रहा, हाँ मतलब मेंटल वर्क। पर इमेजिन करो, हम सुबह 8:30 से 10:30, ये हालत, 11 से 8 खड़े हैं, फिर 2 से 4 वापस एक क्लास है, फिर शाम को 5 से 7 वापस एक क्लास है, सुबह से शाम खड़े रहते हैं। कहीं मन में वो आता है तुम लोगों को, बोल क्या 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 ये बोल रही है, क्या पैसा मिलता है? मरे तुम लोगों को लगता है हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं? वो पैशन बोली कि पैसा बोली? और किसी को भी लगे हम पैसे के लिए पढ़ा रहा है, मेरे से पैसा वापस ले जाना। किसी को भी अगर लगे हम पैसे के लिए पढ़ाते हैं, मेरा भाई सेक्शन 8 कंपनी है, तुम लोग पढ़ा नहीं होगा, कंपनी सेक्ट में जाएगा तो पढ़ेगा, चैरिटेबल कंपनी है, जो आता है हम सब आगे बांट देते हैं। किसको बांटते हैं? तुम ही लोग को बांट देंगे। कितना सारा पार्टी देगा, इतना पार्टी देगा, तुम लोग पगला जाएगा। कब से चालू होगा बताते? चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन करने में लगेगा घड़ी देख के 7 से 8 मिनट, फिर आप लोग घर जाओ, लाइफ एंजॉय करो। अभी बेस्ट लाइफ है, जो जो एंजॉय करना है कर लो। सारा डिसीजन शुरू होने के बाद फिर टाइम थोड़ा कम होगा। आज की मूवी आ रही है क्या? वो कब का आ गया वो, उसमें चले जाओ, एक कौन सा एक मूवी है, ड्रीम गर्ल। ये सब मूवीज हम सजेस्ट नहीं करते, ड्रीम गर्ल मेरे दिमाग से निकल गया, तुम लोगों को बताएगा। और अगर तुम लोग के सेशन के बीच में अगर कोई फैंटास्टिक मूवी आया तो हम पूरे के पूरे बैच को लेकर चलेगा, पूरा बैच को लेकर चलेगा। एक सेकेंड, लेकर चलेगा, पैसा देगा, हम ये नहीं बोला है, लेकर चलेगा। क्लैप क्यों कर रहे हैं?
चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन छह. क्या लिखा हुआ है देखो, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल. मान लो एक आर्टिकल क्या एग्जाम्पल ले जिसका सेलिंग प्राइस है 45,000. मान लो एक ऐसा चीज बनाते हैं जिसका सेलिंग प्राइस है 45,000, उसको बनाने का कॉस्ट क्या लगा नीचे दिया हुआ है. मान लो एग्जाम्पल लेते हैं मेरे फोन का. ठीक, ये मेरा फोन है जो मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है. मेरे को लोग गिफ्ट करते हैं, ये आईफोन मेरे को गिफ्ट में मिला है, ये आई वॉच मेरे को गिफ्ट में मिला है, ये माइक मेरे को गिफ्ट में मिला हुआ है. लोग प्यार से मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर चले जाते हैं. तो हम ये इसलिए बताया कि हम गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं, तुम लोगों के मन में ऐसा कोई प्यार जागे तो तुम लोगों को हम जबरदस्त जबरदस्त गिफ्ट देंगे. चलो माल, और इसीलिए पता है ऑनेस्टली मेरे को मेरे वजह से प्यार नहीं है. कोई मांगेगा ना दे दीजिए, हम दे देगा. सच में हमको एकदम प्यार नहीं है. चाहिए ले लो, नहीं ले लो सर, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं. ये मोबाइल तुम्हारा हुआ, हमको नहीं चाहिए. इससे मोह माया में हम क्या करेगा, बस हमको एक बार हम डेटा ट्रांसफर करके कल दे देगा. ये ले लिया, हमको लगा लेके दे. देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज रुपीज 45,000 इज एज बिलो. मालूम ये बनाकर बेचते हैं, इसका सेलिंग प्राइस है 45,000, पर वह सेल वैल्यू तो दिया हुआ, पर बनाने का खर्चा भी तो लगता है. क्या खर्चा लगता है, ज्यादा नहीं खाली 3, इसीलिए छोटा सा 3 लाइन का कॉस्ट शीट है. पहला लगता है मटेरियल, अगला लगता है लेबर, अगला लगता है ओवरहेड. 3 खर्चा लगा. कितना कितना लगा है, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट. यानी जितना भी टोटल खर्चा लगा है ना, उसका 50% मटेरियल है. मेरा लेबर है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, 50 और 20 मिला के 70, और बाकी बोलता है बैलेंस ओवरहेड में लगा. तो 70% बता दिया, तो बाकी कितना बचा भाई, सीधा ही बोल देता 30% टोटल कॉस्ट, बैलेंस लिखता बैलेंस. यानी कुल मिला के मेरा 3 खर्चा लगा, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड दिया हुआ है. जैसे तीनों को ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट आएगा. सेल वैल्यू दिया हुआ है 45,000, जगह ही नहीं मेरे पास, कहां लिखूं मैं. तो प्रॉफिट क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर. पर ये क्वेश्चन का लोचा ये है कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या है वो नहीं बताया, मेरा प्रॉफिट क्या है वो नहीं बताया. तो देखो जीवन में अटक गए, बनाना तो कॉस्ट शीट है पर कितना मेरा लग रहा है टोटल कॉस्ट वो ही नहीं बताएगा. तो हम कैसे निकाले 50, 20 और 30% क्या है. क्या चेंज कर दिया हम, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए. कुछ ना कॉस्ट पता ना प्रॉफिट पता, ये हम लोग बुरी तरह अटक गए हैं. पर 1/2 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट के लिए था, वो ये चीज प्रॉफिट के लिए अप्लाई करता है. प्रॉफिट अगर रहता ना 1/2 ऑन कॉस्ट तो बनता 1/3 ऑन सेल. प्रॉफिट यहां प्रॉफिट थोड़ी है, तो मटेरियल कॉस्ट है. अब एक बात बताते हैं, हम लोग पूरे कॉस्ट को पढ़ने के दौरान काफी बार जीवन में अटकेंगे. ये जीवन का सार है, कॉस्ट का सार नहीं. जीवन में कभी भी अटको, जीवन में कभी भी अटको, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके एक्स को याद करना. नहीं नहीं, हम ये एलजेब्रा वाले एक्स का बात कर रहा था. तुम लोग किसको याद करने बैठ गया. जीवन में कहीं पे भी अटको, कहीं पे भी अटको, अगर कुछ समझ में नहीं आए जीवन में, अब आगे मार्ग क्या है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, एक्स को याद करना. एक्स को याद करना, सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे. ये जीवन का सार है. हम बात कर रहा था ये वाला एक्स का. तुम लोग सल्टा में रहते हैं ना, तुम लोग का जनरेशन देखते हैं 14 फरवरी को, तब तक तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा. उस दिन पर हमें एक्स्ट्रा क्लास रखेगा. घर से तो यही बोल के निकलना ना, एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं तो रख ही लेंगे. अब एक काम करते हैं, देखो टोटल कॉस्ट का ठिकाना ही नहीं है. एक काम करते हैं, टोटल कॉस्ट को मान लेते हैं एक्स. जैसे ही मानेंगे टोटल कॉस्ट को एक्स, तो कोई बताएगा, डायरेक्ट मटेरियल है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट. अगर टोटल कॉस्ट माना हुआ है एक्स, तो 50% ऑफ एक्स क्या होता है, क्या इधर बोलेंगे एक्स बाय टू, वो भी चलेगा. या फिर ये बोल सकते हैं 50% माने 50/100, 0.5x. तो मेरा मटेरियल आया 0.5x. तुमने समझ में क्या किया. अरे बोलो ना, हर चैप्टर में एक्स को याद करेंगे, हर चैप्टर में, भुलाने नहीं देंगे, हर पल याद दिलाऊंगा उसका. ठीक, अगला है हमारा लेबर. लेबर है 20% ऑफ एक्स, तो 20/100 यानी 0.2x.
और मेरा ओवरहेड है 30% ऑफ एक्स, यानी क्या आएगा 0.3x आ गया। टोटल कॉस्ट है x, सेल वैल्यू था 45,000। कोई मेरे को देगा प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल वैल्यू है 45,000, टोटल कॉस्ट है x, तो मेरा प्रॉफिट डैश माइनस डैश x माइनस 45,000 या 45,000 माइनस x, प्रॉफिट क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ना, तो ये क्या आएगा 45,000 माइनस x। बोलो क्लियर है यहां तक? पक्का ना? अब बस ये एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन खत्म। अब आगे बोलते हैं, ड्यू टू एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 15%, यानी हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगले साल मेरा मटेरियल प्राइस 15% बढ़ेगा, यानी मेरा जितना मटेरियल कॉस्ट लगता था अगले साल ये सेम नहीं लगेगा, 15% बढ़ जाएगा। तुम लोग क्या 0.5x को 15% बढ़ा के बता सकता है? ये कैसे करेगा कैलकुलेटर पे? 0.5x को अगले साल 15% बढ़ाना है, बोलो क्या करेगा? अब कैलकुलेटर में ना x मत खोजना, नहीं मिलता है। 0.5 प्लस 15%, एक बार निकालो ना कितना आएगा। 0.5 प्लस 15% क्या आता है? 0.575, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? x। ये अगले साल का देख रहे हैं। अब आगे बोलता है, जो लेबर का रेट है ना, ये भी इंक्रीज होने वाला है 25%, यानी जो मेरा लेबर कॉस्ट था ये अगले साल इंक्रीज होने वाला है 25%, तो 0.2x था, 10-25% कर देंगे, जो आएगा सो आएगा। अब आगे बोलता है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, थोड़ा इंग्लिश बताओ तो, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 25%, प्रॉफिट वुड कम डाउन, ये एड 25 करे या माइनस 25 करे? कम डाउन वुड कम डाउन, क्या अरे हंस रहा है, बढ़ेगा या गिरेगा? तो जो भी प्रॉफिट आया हुआ है उसमें 25% कम हो जाएगा। कब? इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड बने चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ मतलब सेलिंग प्राइस क्या रह गया? सेम, यानी 45,000। तो देखो नया मटेरियल आया, नया लेबर आया, ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी सेम रह गया। मिलेगा कॉस्ट, प्रॉफिट पता है, सेल पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, जैसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, एक बार वापस से जब क्वेश्चन करेगा पूरा समझाते हुए करता है। जीवन में जब भी अटको किसको याद कर रहा है? एक्स को जरूर। कुछ लोग पता है, हम देखा जैसे एक्स का नाम सुना ना, हाँ हम देखा कुछ लोग एक दो आंख में आंसू आ गया। जनरली पता है मैक्सिमम, मेरे को लगता है ना फरवरी का महीना चेंज कर देना चाहिए, एक्स मंथ, मैक्सिमम लोग का एक्स ना फरवरी पता चलता है, रियलाइज करो। 14th एकदम तुमको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है जानने में? एनीवेज ये सब बात माइक में नहीं, खोपचे में ना बताएंगे। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मेरा टोटल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, उसको मान लेते हैं x, लेट द टोटल कॉस्ट बी x। सर आपके जीवन में कोई x है? पर्सनल लाइफ में खोचा इनके, मेरे जीवन में कोई एक्स नहीं है, हम कईयों के एक्स थे। नहीं एकदम एक बात नहीं हुआ, गहराई से सोचना अलग बात है, कुछ लोग समझ गए नहीं। चलो यहां लिखते हैं प्रेजेंट, मुझे कॉस्ट छोड़ के अब यही सब सोचे। प्रेजेंट में मेरा खर्चा क्या लगा, और अगला लिखते हैं फ्यूचर में मेरा खर्चा क्या लगने वाला है। मेरा कुल मिला के खाली 3 खर्चा, तो यहां ना दुनिया भर का उसको लिखने मत बैठ जाना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब रोना धोना नहीं है, 3 कॉस्ट है, सीधा तीनों लिखना, टोटल कॉस्ट एट प्रॉफिट सेल। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जैसा आइटम तो देता, तो होम कॉस्ट शीट बनाएगा, तो 3 है मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स,
तीन ही कॉस्ट है। चलो एक काम करें, तीनों को ऐड करके क्या मिलने वाला है, टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या आने वाला है, सेल। सही है यहां तक। एक काम करें, पहले करंट वाला का कॉलम हम लोग फिलअप करते हैं। करंट के बारे में क्लियर कट बताया है, क्या बताया है जरा देखो। सबसे पहले मेरा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 45,000। इस क्वेश्चन में दो पार्ट था, ये पहला वाला पार्ट कर ले रहे हैं। मेरा सेलिंग प्राइस दिया है 45,000, सेल वैल्यू है 45,000। ठीक है यहां तक, ठीक है ना यहां तक। yes, sir. मेरा मटीरियल क्या है, 50% ऑफ एक्स, एक्स का 50% क्या होता है, 0.5x। हमारा लेबर है 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स क्या होता है, 0.2x। 50 और 20 मिला के था 70, यानी बाकी बैलेंस क्या आएगा, 30%। तो 30% ऑफ एक्स क्या होता है, 0.3x, यानी मेरा टोटल कॉस्ट है एक्स। कोई बताओ प्रॉफिट क्या, एक्स माइनस 45,000 या 45,000 माइनस एक्स, सेल माइनस कॉस्ट होता है 45,000 माइनस एक्स। बोलो यहां तक क्लियर है। yes, मेरा काम खत्म, बस एक लाइन और लिखा है, वो लिखते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, डन। अगला लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंक्रीज होने वाला है मटेरियल प्राइस 15%, यानी भाई जितना भी मटेरियल है ये 15% बढ़ के लगेगा। तो एक ऑप्शन है प्लस 15% कर दो। ये एक और ऑप्शन होता है करने का, कि मान लो पहले लगता था 100 रुपया, अब 15% बढ़ेगा। पहले लगता था 100 रुपया, तो अब अगले साल क्या लगेगा, 115। तो एक ऑप्शन है ऐड करो 15%, या अगला ऑप्शन है इनटू करो 115%, दोनों चलेगा। तुम लोग किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है? चलो ठीक है, ऐड। कैलकुलेटर में लिखना 0.5 प्लस 15%, ये आने वाला है, क्या बात है, 0.575x। दीदी आप समझ रहे हैं ना, जो लेबर का रेट है ये बढ़ने वाला है 25%। चलो एक काम करते हैं, जो लेबर कॉस्ट है इसको भी 25% इंक्रीज करते हैं। एक बार जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, 0.2 प्लस 25% होता है 0.25x। बोलो आया यहां तक। अब आगे बोलता है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 25%। जो मेरा प्रॉफिट है ना, ये 15% डाउन हो जाएगा। डाउन में हम क्या करें, ऐड या लेस? ये लेस होगा 15%। अब ध्यान देना, ये पूरे का लेस करना है 15%। तो पहले सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 25%, आई एम रियली सॉरी। कितना था? अब एक काम करो, पहले ना ये 45,000 में 25% लेस करके बताओ क्या आएगा, 45,000। इस पूरे का माइनस करना है ना 25%, तो पहले 45,000 में माइनस होगा 25%, तो वो होता है 33750। अब माइनस एक्स केस में से 25% चला जाए, एक्स में 25% गया तो बचेगा 75%, तो क्या लिखेंगे, 0.75x। सही है यहां तक। ठीक, इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड माने चेंज नहीं हुआ, मतलब सेम रह गया, तो सेलिंग प्राइस सेम रह गया, मतलब एग्जैक्ट 45,000 रह गया। तो देखो जो जो बोला था वो हम कर दिया। तुम देखा ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, बताओ और कुछ नहीं बोला, क्या माने, बढ़ा गिरा या सेम रह गया? तो सेम रह गया 0.3x। अब मेरे को कोई एक बार ये तीनों को ऐड करके बताओ टोटल कॉस्ट क्या आएगा, कितना, तीनों को ऐड करके आएगा 1.125x। ये है ना 1.125, पक्का ना? अब एक काम करो, इक्वेशन सॉल्व करना, ये रहा टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये इक्वेशन को नीचे सॉल्व करना,
क्या मिलेगा x का वैल्यू, 1.125x प्लस 33750 माइनस 0.75x। देखो ये आया कॉस्ट, मैं ऐड किए हैं प्रॉफिट, तो क्या आने वाला है सेल। देखिए तो तुम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या? हाँ ठीक है, एक बार बाकी लोग भी कैलकुलेट कर लो कितना आया। एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने का और देखना हमारे x का वैल्यू क्या आया, x का क्या मूल है, x का क्या वैल्यू है। x का वैल्यू मात्र 30,000 है। तो दिस माइनस दिस, सारे x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो सारे x को एक तरफ ले लिया। दिस माइनस दिस आई थिंक होता है, तुम लोगों को बताते मेरा मेंटल मैथ्स बड़ा अच्छा है, तुम लोग मेरे को हेल्प भी करेगा तब ये पूरा का पूरा कॉस्ट अपने आप कर लेगा। देखो आ जाएगा 0.375x, ये जाएगा इधर, ये बन जाएगा 11250। तो x का वैल्यू आएगा 11,250 आर डिवाइडेड बाय 0.375, जो आने वाला है 30,000। बोला है यहां तक? अरे बोलो ना। ठीक, एक बार ये 30,000 आ गया। अब लास्ट वन मिनट में बस इस टेबल को वापस से बनाओ, x का वैल्यू पुट करके वैल्यूज यहां पर लिख देना। क्यों करने क्या बोला है लास्ट टाइम पढ़ लो, प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल अंडर प्रेजेंट कंडीशन एंड विद द इंक्रीज एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर। यानी प्रेजेंट में क्या था एंड फ्यूचर में क्या है। एक मिनट बंद कर दो ना, नहीं बंद करना, बंद करना, तो मेरे को वहां पे आके हाय कर रहा है तो पूरा ध्यान दो विराट, पिछले टाइम का स्टूडेंट ऐसे हाय किए जा रहे हैं। ठीक, तो देखो मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल अंडर प्रेजेंट कंडीशन यानी ये वाला एंड विद द इंक्रीज एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर मतलब ये वाला। तो जो x के टर्म्स में चल रहा था उसको वैल्यू में पुट कर देना है। अज्यूमिंग द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट प्रेजेंट हैड टू बी अर्नड। कोई बस इतने से अंग्रेजी का मतलब समझाओ, अज्यूमिंग द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट प्रेजेंट हैड टू बी अर्नड, कोई बताओ ये इंग्लिश का मतलब क्या। जितना आज के दिन प्रॉफिट का परसेंटेज है कॉस्ट पे, अगर वही रखना है तो बताओ मेरा टेबल क्या रहेगा। यानी बताए पहले वाले पार्ट के अंदर में सेलिंग प्राइस को सेम बनाया गया, इसमें सेलिंग प्राइस को सेम नहीं बनाया है, प्रॉफिट का परसेंटेज को सेम बनाया है। वो क्या करेंगे देखते हैं, तुम लोग वैल्यू पूरा पूरा ये वैल्यू यहां तक लिख दो, खाली प्रॉफिट सेल वाले लिखेंगे बाद में। प्रेजेंट एंड प्रपोज का कॉस्ट तक निकाल देना, अगले साल का जो प्रॉफिट और सेल है वो लिखते हैं बाद में। तुम लोग एटलीस्ट बाकी ट्राई करो x का वैल्यू पुट करके वैल्यूज लिखने का अपने आप। सर आप फ्रीज हो गए, अरे हम फ्रीज हो गए। हाँ हाँ x का वैल्यू पुट करके, एक मिनट जो लाइव ऑनलाइन करे प्लीज बताओ क्या हम फ्रीज हो गए क्या। नो सर, नो सर, इट्स फाइन। हाँ ठीक है, तो फ्रीज हो गए। यानी सेम टेबल वापस से रिपीट होगा पर अब की बार x के वैल्यू को पुट करके होगा। मोदी सरकार पता है ना कहां पे तुम लोग है, खेला हो जाएगा। बंगाल के धरती पे आके बात बोल रहे हो। ये तो YouTube में जाएगा। जो भी बोलो अमार दीदी बेस्ट दीदी, कोई मुकाबला नहीं। हम कितना खुश है बंगाल में रह के, इतना खुश है, मेरा जीवन का सारा सपना यहां पूरा हो रहा है। आप तारीफ कर दिए ना सर, रिपीट करिए ना।
बाद में करते रिपीट, पहले क्वेश्चन करते। मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये मिलाकर है टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट सेल। पर अभी हम लोग एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, खाली फ्यूचर का जो प्रॉफिट आया वो सोचना कैसे करेगा। सुनो ना, कोई मेरे को एक बार ये थोड़ा हेल्प करेगा आज। मेरे एक्स का वैल्यू आया है 30,000, तो पहले भी लिखेंगे 0.5 इंटू 30,000 15,000, 0.2 इंटू 30,000 6,000, 0.3 इंटू 30,000 9,000, 30,000, 45 माइनस 30 15 जाएगा 45। चलो ठीक है, मैं अपने माइंड में पहले सब नंबर सेट करता हूं, मैं बार बार पलट के नहीं देखता। चलो यह है 15,000, 6,000, 9,000, 30,000, 15,000, 45,000। बुलाया यहां तक? यहां तक तो इजी था। एक काम करें, फ्यूचर में भी टोटल कॉस्ट तक तो निकाल लेंगे। ये आएगा 15, ये क्या है 0.575 इंटू 30,000 जो आने वाला है 17,250। ये शायद आएगा 7,500। ये तो रह जाएगा 9,000, यानी ये आने वाला है 33,750। सही लिखा यहां तक? अगर बाई चांस हमारा पहला पार्टी चलता तो यहां 45,000 लिखते, प्रॉफिट मिल जाता। पर क्वेश्चन में क्या लिखा था? अज्यूम करो सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट प्रेजेंट हैड टू बी अर्न्ड, यानी आज के दिन कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं कॉस्ट पे। तुम लोग क्या निकाल पाएगा? मेरा प्रॉफिट कितना परसेंटेज है कॉस्ट का? 50%। कैसे आया? मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 15,000 डिवाइडेड बाय पहले कॉस्ट कितना है 30,000 इंटू 100, कितना आएगा 50%। बोलते हैं जितना परसेंट प्रॉफिट अभी कमाए, अगर अगले साल भी उतना ही कमाना है, बोलो सेल क्या, तो अगले साल भी प्रॉफिट क्या लेंगे? ये जो कॉस्ट आया इसका 50%, इसका 50% निकालो ना, कितना आएगा? 16,875। टोटल है 50,625। डन। यानी कॉस्ट शीट में दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक जो प्रॉपर फॉर्मेट बेस्ड है वो तो बड़ा इजी होता है, एक जो एक्स वाला होता है। तो हम लोग हर क्लास में ना दोनों टाइप का करेंगे, और एक दो क्लास बाद एक्स वाला तो बोलेगा छोड़ दीजिए, हम लोग खुद करेंगे, एक्स का सवाल है खुद करेंगे। तो चलो एनीवेज, इसी के साथ हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म। आज नहीं, कल से देंगे, कल से। चलो इसी के साथ आज का क्लास खत्म। बस एक बार जो फीफो लीफो ये सब पढ़े ना, एक बार बस खाली इसको जाके रिवाइज कर लेना। ओनली फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। चलो डन, थैंक यू सो मच।